अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मनोहर जोशी मेरा नाम, लेकिन मेरी पहचान नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी जो चाहते हैं वो मैं नहीं चाहता। हर कोई अपने बच्चों को अपनी परछाई बनाना चाहता है, जैसे इन सैकड़ों पवन चक्कियों के बीच एक और पवन चक्की, जिनमें गति तो है पर दिशा नहीं। पर मैं अपनी दिशा खुद ढूंढना चाहता हूँ, आसमान में उड़ना चाहता हूँ, तो कभी चट्टान की तरह ठहर कर उस उड़ान को देखना चाहता हूँ, फिर अचानक नदी बनकर बहना चाहता हूँ। पर क्या यह सब मुमकिन है? क्या मैं इस भीड़ में अपनी पहचान ढूंढ पाऊंगा? क्या मैं इन चार दीवारियों में उड़ पाऊंगा? पता नहीं, शायद इसीलिए मैंने अपने तीन दोस्तों के साथ एक अलग ही पाठशाला बना रखी है इस जंतर मंतर में। यहाँ गुरु भी हम और चेले भी हम। मेरा पहला साथी वेंकट, जो अपने मम्मी डैडी के झगड़ों से बहुत परेशान है, और ऊपर से वो रेशमी 16 साल की नौकरानी,
जो इस पर दोरे डालती है। शायद इसीलिए एक्सपेरिमेंट के नाम पर हर चीज तोड़ कर देखता है। इसमें छुपा क्या है बेचारा? ए वेंकर, वेंकर! अबे क्या कर रहा है तू? अरे रात भर मैं आइंस्टीन की जैसे सपने में सोच रहा था कि कोई ऐसा बैटरी बनाओ जो दोनों तरफ से जले। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग की तो बैटरी नहीं चली। हाँ गया साला। ये है लोचा, इस जंतर मंतर का मालिक। लारे आला तोरी चोरी संभाल रे लाला, चोरी संभाल। अच्छा तेरे बैटरी में करंट लागत है का नहीं? का हम लगाई करंट? लोचा के आते ही शुरू होवत है हमारा असल रंगबाजी। और ये है हमारा लास्ट मैन सलमान सब्जी वाला, हर दम भागते रहता है फिर भी लेट, इसलिए सल्यूट ढक्कन। आ गया तू? तो आइए, हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पीटी की क्लास चल रही है और अब शुरू होती है हमारी जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी की क्लास। ये हमारा माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसमें से हम जंतुओं को देख सकते हैं, लेकिन जंतु हमें नहीं देख सकते। इसका महेश नाम के लड़के के साथ अफेयर है, वो भी खुले आम। यानी प्यून प्यारे लाल। दो लड़के अगर यूं गले में हाथ डाल के घूमे तो उसे क्या कहेंगे? ऊपर का देखना। चल चल, चल निकल। ये है लोचा की लाइन, पर उसे मिलती ही नहीं। जियरा उड़ उड़ जाए। हाय हमरी केवड़ा। अबे क्या हुआ, क्या कर रहा है तू? हाँ अबे सुन, राज मामा कहते हैं कि अगर किसी लड़की पर लाइन मारो तो उसे चिढ़ाओ मत, लव स्टोरी शुरू हो जाने से पहले उसका दी एंड हो जाता है, समझा? ऐसा? हाय हमरी केवड़ा। और अब शुरू होती है मेरी रोमांस की क्लास। परी जैसे सपनों की दुनिया से जमीन पे उतर आई। सिर्फ तुमने वो घमाड़िया का होमवर्क किया क्या? मैं लेकिन तो परी का राज मैंने अपने मंडली से भी छुपा रखा है, नहीं तो वो उसे भी चिढ़ाएंगे। अबे रोज रोज कौन मार खाएगा? चलो सलो भी ना, तू भी जाना, नहीं तो वो तेरे को भी मारेगी रे। ऐसा तो हम कर देते भैया। थोड़ा सा कर दे करम, थोड़ा तो कर दे रहम, संग तेरे जी लेने दे, चाहत का रख दे भरम, थोड़ा सा कर दे करम। कैसी है स्कूल में? पिछले साल ही आई, पर इस साल तक आते आते मेरे मेन कोर्स में ही शामिल हो गए। अब तो मुझे बस एक ही काम है, परी को निहारना। क्यों बरखुरदार, दिन में आंखें खोलकर किसके सपने देख रहे हो? कुछ नहीं सर, वो मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सच ठीक है, कल ट्राई करना, शायद कल दिखाई देगा। ठीक है, फिलहाल पढ़ाई करते हैं। ये है कुलकर्णी सर, हमें जीवशास्त्र पढ़ाते हैं और कभी इतिहास भी। ये हमें स्टूडेंट नहीं अपना दोस्त मानते हैं और हम इन्हें अपना हीरो। और ये है मोहिनी, हर दम ले। अरे फिर से लेट? एक्चुअली मुझे लगा छुट्टी है। अरे जम्मत चल लो, प्लीज हैव अ सीट। साल के बीच में बंबई से आई है और आते से ही कुलकर्णी सर पर लाइन मारना शुरू कर दिया। प्रजनन प्रक्रिया यानी रिप्रोडक्शन साइकिल बारिश में शुरू होती है। जब बारिश की पहली बूंदें जमीन पर आने लगती हैं, तब मादा मेंढक चिल्ला चिल्ला कर
नर मेंढक को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और इस प्रजनन प्रक्रिया में ससुरा मेंढकवा भी लाइन मारत है। तुम्हारी भाषा में कहीं तो लाइन ही मारत है। लेकिन सर जी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमरे आदमी लोग में तो छोरा छोरी पे लाइन मारत है लेकिन यहाँ मेंढकवा में तो छोरी छोरे पे लाइन मारत है। तो अगले जन्म में मेंढक ही बन जावा, तुमका लाइन मारन की जरूरत ही नहीं पड़ी। सारी लड़कियों में ये अकेली हंसती है, बहुत चालू चीज है। हाँ ये तो हमरे जैसी है। देखा कैसे कुलकर्णी सर को देख रही है, जैसे नजरों से ही खा जाएगी। लाइन वाइन मार धोखा नहीं, अरे उसमें का है पेन लो और लाइन मारा। अरे काहे जवानी बर्बाद कर दो। यह है घमाड़िया मैडम। Disgusting. Subject English और shock students की पिटाई। Show me your homework. And those who have not done it, form a queue. अब तक इनकी शादी नहीं हुई, शायद इसी बात का गुस्सा हम पर उतारती है और पिटाई करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। Next. बचने की कोशिश बेकार है। Hey. Come back. Don't act smart. ऐसी है इनकी शिक्षा। Next time I want the homework books to be neatly covered with brown paper. Understand? Next. और जब इस पिटाई से थक जाए तो ढूंढते हैं थोड़ा सा मिर्च मसाला, यानी के बैनर्जी मैडम। टीचर कम मॉडल ज्यादा। और यहाँ से शुरू होता है हमारा एडल्ट एजुकेशन, जो हमें स्कूल में नहीं दिया जाता। इस सब्जेक्ट के जवाब हम खुद ही ढूंढ लेते हैं, चाहे गलत ही हो, पर क्या करें, हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बताता भी तो नहीं। बोल रहा है। कल रात को नहीं यार, कल रात को मेरी बोतल फूट गई। अयो कैसे? कल रात को कौन सेक्सी फिल्म देखी होगी, रेशमा की जवानी। हाय। अबे ऐसा कुछ नहीं है यार, कल रात को अकेले मैं सोया, सुबह उठ के देखा तो अरे हाँ वो डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर डाले थे, सब बंद कर देते, सी डाले थे, है ना? हाँ। ए तो चुप बैठना। अरे मैंने तो सुना है खून की 40 बूंदों से उसकी एक बूंद बनती है। ए? ये साले तुझे कुछ भी बता रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। तुझे क्या मालूम है इस बारे में? ए मुझे सब कुछ मालूम है, मेरा अंकल डॉक्टर। डॉक्टर के क्या मालूम है इसके बारे में? ये देख मेरे अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैंने इसके बारे में एक दो किताबें भी पढ़ी है। ऐसा होता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम में कुछ तो भी फॉल्ट है। क्या? मगर ये हमेशा होने लगा तो? हमेशा नहीं होता रे। हाँ लेकिन तू अपनी नेट प्रैक्टिस फिर से मत चालू करना, हम कहूं मेंढका वाली किताब देना। नहीं, 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 तुम लोग साले मेरी बाट लगाते हो, मालूम मैंने उस दिन क्या हुआ था? बाजीराव पेशवा ने उत्तर में जाटों को हराकर अपना साम्राज्य बड़ा कर लिया था। इस दौरान ग्वालियर के प्रसिद्ध बाजीराव को तो मस्तानी मिल गई, बाजीराव को मेंढका से मिला। ग्वालियर की प्रसिद्ध गायिका मस्तानी से हुआ, वो गुलाब जामुन लग रही है ले जाने लगी। यार ये क्या हो रहा है, ऐसी किताबें पढ़ते हो, शर्म नहीं आती? किसकी किताब है ये? ये हमारी किताब नहीं है। तो ये तो घूमत घूमत हमारे पास आ गई तो हम पढ़ने लगे। जिसकी भी किताब है मुझे आके बाद में ले जाना। चल भाई के दांत टूटे नहीं और एडल्ट किताबें पढ़ना मत। मर गया। हाँ पिंकी मैडम भी शुरू हो गए। वो मैगजीन तो वो मैं लाइब्रेरी से लाया था। लाइब्रेरी से वापस करनी है। कौन सी लाइब्रेरी से? अब कोर्स की बुक छोड़ के तुम ऐसी किताबें पढ़ रहे हो? मेरा मतलब ये सॉरी मैम, वो गलती से। अगर अगली बार ऐसा किया ना तो प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगी।
अब जाओ। यस मैम। अरे अभी तक गए नहीं, बोला ना बाद में दूंगी। अब जाओ। ताज्जुब की कोई बात नहीं, पिंकी मैडम की स्कूल में इस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हुई थी तो वो अब कर रही है। अरे फैन किसने बंद किया? मैंने बंद किया। चलो तभी स्कूल का समय हो गया। फैन क्यों बंद किया? ज्यादा स्मार्ट मत बन, मैं जितना कहती हूँ उतना कर, उसी में तेरी भलाई है। हर सवाल का यही जवाब, ज्यादा स्मार्ट मत बन। बड़ी बहन है ना, पर दीदी कम दादी ज्यादा। आजकल जिसे देखो लेदर के पीछे भागता है, मशीन मेड। ये क्या कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इस महामाया से बचने का एक ही तरीका है। कहाँ गया? गायब हो जाओ। ये है मेरी माँ, जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। और तुम अखबार ही खाओगे या नाश्ता भी पढ़ोगे? देखा तुम्हारे जोक बच्चों के गले में अटक जाते हैं। ये है मेरे पापा। होता ही क्या है? पापा कम, सब कुछ दोस्त ज्यादा। सिर्फ तारीख ही बदलती रही। हाँ सिर्फ तारीख बदलती रही, लेकिन तुम नहीं बदल। सालों से अखबारों से दुश्मनी निभाई, इसलिए अपने बच्चों को भी न्यूज़पेपर्स में। मुझे है पापा, लेकिन क्या करूँ, समय ही नहीं मिलता। सहेलियों से फुर्सत मिले तो कोई न्यूज भी पढ़े। हर वक्त गॉसिप गॉसिप गॉसिप। तू चुप कर, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान रहता नहीं है, यहाँ वहाँ की फालतू बातों में तेरी जबान बहुत चलती है। अच्छा तो फालतू बातें हो रही है, ठीक है भाई मैं तो चला। देखा पापा, अगले ही साल इसका बोर्ड एग्जाम है, मैं इसलिए कब से कह रही हूँ कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर। हमारे जमाने में कहाँ थे कोचिंग क्लासेस, एजुकेशन का भी धंधा बना दिया है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना पापा, और स्कूल में पढ़ा तो रहे ना। तेरे वो सरकारी स्कूल में क्या खाक पढ़ाते हैं? मैं भी तो सरकारी स्कूल में पढ़कर यहाँ तक आया हूँ। सॉरी पापा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर सबको बताने में कितनी शर्म आएगी ना। अरे तुझे अभी से कैसे पता चला कि कम मार्क्स आएंगे? देख तू अपने कॉलेज का घमंड करना बंद कर, ओके? और माँ इसे कह दो बार बार मेरे पीछे ना पड़ा करे। ठीक ही तो कह रही है, कोचिंग क्लास ज्वाइन करने में हर्ज ही क्या है? देखो मैं तो एक ही बार पूरा मन लगा कर पढ़ता हूँ, उन लड़कियों की तरह रट्टेबाजी नहीं करता। देखो अश्विन, अगर तुम कहते हो कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है तो अच्छे मार्क्स लाने होंगे। ओके पापा, आई प्रॉमिस। चलो मैं चलो ऑफिस। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ऑफिस में अखबार पढ़ूंगा नहीं खाऊंगा। मैं भी चलता हूँ। क्यों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? तेरा स्कूल तो 11:30 बजे का है ना? हाँ माँ, वो मैथ्स के सर ने एक्स्ट्रा क्लासेस लेने शुरू किया ना, तो इस साल से कोर्स भी बढ़ गया है। मगर तू तो कितने दिनों से 10:30 बजे से जा रहा है। हाँ वो इससे पहले एनसीसी के क्लासेस भी तो होते थे ना, तो मैथ्स के सर ने परेड ले ली। मैथ्स के सर ने परेड ले ली, तुम समझ रही हो ना माँ? समझ तो नहीं रही हो, फिर भी ठीक। बाप रे, झूठ बोलना आसान नहीं अपने बाप का ही बेटा, और सच्चे माता पिता हो तो और भी मुश्किल। पर लोचा बड़ी सफाई से झूठ बोल लेता है, शायद अपने बापू से हुनर सीखा हो। अरे सुनो तो, लोचा के बापू आ गए। अरे तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है आज हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। हरामी लोचा, हमारी पाठशाला खत्म हर दम के लिए। स्कूल वहाँ से निकाल दिए हो का? अभी बताओ थे तुम सबका बाप को, सब साला बाप का कलेजा पे चढ़ के नाचत हो। हम तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं। सो तो दिखाई रहा था, सबका हाथ में साला किताब है, बस एक साला हमारा बिटवाई साला नालायक, न जाने छचुंदर का थुक पट्टी करत है, बस एक बार हाथ आ जाए तो ऐसे धुलाई करत है। साला अबे हरामी, कौन से जन्म का बदला ले रहा तू? क्या हमारे छाती में मुंह कुटेगा यहाँ? छाते पे खड़ा होकर सारी दुनिया को नाच दिखा रहा है का? अरे बापू मारो मत, गिर जाएंगे मर जाएंगे, इकलौता बेटा हूँ। सुनो हम तो हर सारी सिटिया बाजी उतारत है, बहुत दिन से अपने बाप के डंडे का मार नहीं चखा तो बहुत पर निकल आया, तो उतर बापू। हम कर रहे थे। अरे अपने बाप को उल्लू समझा का? छत्ते पे खड़ा होकर कौन सा पढ़ाई होते हैं? कौन सा पढ़ाई होता है? उतर उतर तो बापू, उतर नीचे लग जाएगा, गिर जाएगा तो मर जाएगा, तो खला खला होगा। उतर नीचे बापू, लग रहा है हाथ में, लग रहा है। अंकल क्या है वो लोचा बता रहा था कि क्या पूरे इलाके में आपकी बिल्डिंग सबसे ऊंची है? हाँ 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 जी। अच्छा का हमको भी पता है।
आप पर तो ध्यान ही नहीं गया। तो सच कहते हैं रे, अरे बनते बनते तो बिल्डिंग काफी ऊंची बन गई। वो है तो हम बता रहे थे बापू। ये तू चुप कर बे हरामी, ऊपर ऊपर गिर जाएंगे। हट पकाओ साल। स्टुपिड, सूरज देखिए मंदिर के जैसी। क्या बोली? वाह हीरो बोली। उसका ऐसा कॉलर पता, हमारा मसल देखा डर गया। तुम्हारी नोटबुक उसको दे ना दादा। अच्छा वो देख। अच्छा कमारिया मैडम कौन है? मैं तो भूल गई थी। बताओ दे। ठीक है मैं मैडम को कॉपी देकर आती हूँ। बाय बाय। अरे अरे धक्का क्यों मारा? दिक्कत नहीं का, लड़की बराबर दिक्कत है। ये ले तेरा शिकार। ये है का? क्यों बे? केवड़ा पे लाइन मारा था। केवड़ा? कौन केवड़ा? गुप्ता, गुप्ता पे लाइन मारा था का? नहीं 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 मारता, कसम से नहीं मारता। मारता? अच्छा सच बताई दो, सच बताई दो, मारा था का नहीं? अरे तू तो डर गई। डर मत, अरे हम तो मजाक कर रहे है। चल बोलना। हाँ बोलना। लोचा कुछ नहीं करेगा। लोचा कुछ नहीं करेगा? अरे हमको क्या रे, तू कुछ भी करना रे, हम टाइम पास कर रहे हैं यार, बोल ना। अरे बता ना, बता। अरे बता ना यार, चल बोल ना, बता दो यार। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा मारता, थोड़ा थोड़ा मारता। अरे थोड़ा थोड़ा काहे मारत हो? लाइन मारना होना तो ऐसा लंबा। केवड़ा सिर्फ हमार प्रॉपर्टी, लोचन प्रसाद यादव ओनली। वेंकट को क्यों इतना गुस्सा आया? जरूर दाल में कुछ खाला है। वेंकट पापा से मिलना है। ओह तो ये है रेशमी। सचमुच आइटम है। कैसी हरकतें? कैसी हरकतें बताओ तुम? और ये है वेंकट के महान मम्मी डैडी। नमस्ते अंकल। अपने पैसे से पीता है। वेंकटेश बाबा अपने रूम में है। चलो मेरे साथ। वेंकटेश बाबा तुम्हारे दोस्त आए हैं। हाय वेंकट। आ रहा है। मैं तंग आ गया हूँ यार, रोज रोज पापा पीते, बाद में मम्मी उनसे झगड़ा करती है, फिर वही सब तमाशा। मैं अब भी घर छोड़ के निकल जाऊं? चुप। सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा कि ठीक हो जाएगा? सब मुझे को झेलना पड़ता है, ये उन को भी और वो रेशमी को भी। वापी साली, वापी वासना पीड़ित। और मुझे बता कल शाम क्या क्या किया? कल केवड़ा आई थी। क्या बात कर रहा है? ओए छुपा रुस्तम साले, क्यों आई थी? कुछ नहीं रे, उसकी माँ और मेरी माँ सहेली है। हे दुनिया से बात की क्या? अभी सामने बैठेगी तो बात तो करनी पड़ेगी ना। साले बात करनी पड़ी ना। हमें तो लगता था कि तू तो सिर्फ बैटरियां बनाता है, लेकिन तेरी बैटरी में कितना करंट है ये तो आज पता चला है। लोचा को पता चल गया तो पागल तो नहीं हो गया? उसको बोलो भी मत, तेरे को मालूम ना वो कैसा मार डालेगा मुझको। तुझे वो पसंद है ना? हट साले। हाय हाय हाय, शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। अब पता चला बाबा, तुम्हारी चाय। वापी साली। ए देख, ओए तुझे ये कहां से मिली? पापा की है। अरे ए मत, किसी को पता चल गया तो? नहीं रे, कितना पीता हो उतना पानी डाल देता हूँ, लेवल बराबर। हाँ ना यार, तू तो शाना। अरे 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 जी, कितनी बदबू है यार। अमृत है। कुछ हुआ क्या? अभी बोलना। चढ़ गई, देख चढ़ गई, देख चढ़ गई, चढ़ गई, तेरे को चढ़ गई। आयो आज ही चढ़ गई। आयो मेरी केवड़ा, केवड़ा। लाना थे मुझ पे। वेंकट साला कछुए की चाल चल के अपनी मंजिल तक पहुंच गया, और एक मैं हूँ जिसे परी तो नजर उठाकर भी नहीं देखती। शर्म आती है मुझे। अरे अरे हाय लवर बॉय, किसके ख्यालों में खोए हो?
किसी के भी तो नहीं। गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, मैं तो इन मामलों में पड़ता ही नहीं। ये है विजय भाई, हमारी कॉलोनी में रहते हैं और विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ते हैं। इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती, पर इनका आत्मविश्वास, इनके आंखों का ईमान देख के लगता है कि ये सच के साथ हैं। और ये है शर्मा जी, विजय भाई की विरोधी पक्ष। तो देखते हैं पुरानी परंपराएं और उनके खिलाफ विजय भाई की जंग। भाई बहुत बड़े लीडर बन गए और हमें पता भी नहीं चला है। कमाल करते हैं अंकल, एक रैली निकालने से दो चार फोटो छपने से आदमी लीडर थोड़ी ना बन जाता है। मगर इरादे तो झलक रहे हैं। इरादे तो बहुत बुलंद हैं अंकल, देखने वाली बात सिर्फ ये है कि जोर कितना बाजू है कातिल में। तुम्हारी बाजू में बहुत दम है, लेकिन जिनकी बाजू से तुम लड़ रहे हो वो बहुत कमजोर है। कमजोर तो होगी ना अंकल, जिस बाजू को काट कर अलग फेंक दिया गया वो कमजोर नहीं होगी तो क्या होगी? सैकड़ों साल के बाद भी ये बाजू अभी तक जिंदा है। कमजोर है पर जिंदा है, ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतना सेंटिमेंटल मत हो जाओ बेटा, सैकड़ों सालों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत तरक्की भी हुई है, कितनी आंधियां तूफान आए, अब जो मजबूत थे वो रह गए, कमजोर थे वो बह गए। अंकल ये सारी बहस सिर्फ स्वार्थ की है, स्वार्थ के लिए जातियां बनाई जाती हैं और लोगों को बांटा जाता है, उसके बाद जताया जाता है कि वो कमजोर है। तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, फिर कहना कितना आसान है। एक तूफान आया और जो कमजोर थे वो बह गए, कौन से देश का न्याय है ये? अब भाई जो गलत था वो बदल रहा है, तो फिर बदलाव को रोकते क्यों? रिजर्वेशंस के खिलाफ इतना रोष क्यों है? बदलाव के लिए बराबरी तो होनी चाहिए ना। बराबरी? किस बराबरी की बात कर रहे हैं आप? इस देश में बराबरी का मतलब कोई समझता भी है? 20% लोग, द सो कॉल्ड अपर क्लास, के पास 80% पैसा है, 80% पैसा, 80% जमीन, 80% पावर, इसे बराबरी कहते हैं आप? बाकी लोगों के पास बचा क्या, इसे बराबरी कहते हैं आप? जो गरीब है पिछड़े हुए हैं, वो गरीब और पिछड़े हुए हैं, इस बात का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाता है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, इसे बराबरी कहते हैं आप? बाकी लोगों के पास बचा क्या इस देश में? अपने ही लोगों को गुलाम बनाया जाता है, कभी सुना आप लोगों ने? जरा सोच के बताइए, कम से कम एक बार सोचिए। बराबरी की बात करते हैं, हाँ, ये रेसिडेंशियल कॉलोनी है, इन सबका बच्चों पर क्या असर होगा? अरे उसने बस अपने विचार व्यक्त किए हैं भाई, अब डेमोक्रेसी में सबको इतना तो हक है ही ना। अब रही बच्चों की बात, तो इतना तो उनको जागरूक होना ही चाहिए अपने देश और समाज के प्रति। अरे कम से कम विजय ने कुछ करने का जज्बा तो दिखाया, वरना आजकल के लड़कों को देखो, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी गर्लफ्रेंड, बस इन सब के बारे में सोचने से फुर्सत ही नहीं मिलती। दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, वो भी गरीब असहाय दलितों के बारे में, इम्पॉसिबल। अब ये जागरूकता है या हीरो बनने की कोशिश, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इन सब चीजों की वजह से मेरा टाइम टेबल खराब हो गया है। पहले किचन 10 बजे बंद हुआ करता था, अब 11 बजने आए हैं। फिर मेरे अधिकारों का क्या, मैं भी महिला मंडल का मोर्चा निकालूंगी। मैं माँ के साथ हूँ और मैं पापा के साथ, देखो टीम बराबर। बराबर कैसे? हमारी टीम भारी होने वाली है, राज अंकल आ रहे हैं। क्या राज अंकल आ रहे हैं? अरे हाँ, इस बार राज को कितनी लड़कियों के फोटोग्राफ दिखा दिए? 5। पता नहीं, पहली वाली कुछ जमी नहीं। हमारे कास्ट में अच्छी लड़कियाँ मिलती क्यों नहीं है? तो फिर दूसरे कास्ट में कर दो ना। ये सब लव मैरिज में होता है, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा। कैसी बात कर रही हो शर्मिला? अरे जीवन साथी का नेचर, जीवन साथी का अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है या जात? मुझे तो तुम्हारी वो पड़ोस की पंजाबी लड़की बहुत पसंद थी। क्या राज मामा के लिए? लेकिन इसके मान इतना बॉल मचाया, घर तो क्या शहर छोड़ के भागना पड़ा। छी 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 छी, मांस मच्छी खाने वाले लोग, वो शादी यहाँ होती ना तो मेरी माँ ने तो आत्महत्या कर ली होती। बहुत अच्छा, आप सब लोग इन बातों में मत पड़िए, इंटरकास्ट मैरिज यहाँ नहीं होगा, ना इस घर में ना उस घर में। बाप रे, परी तो दूसरे कास्ट की है, अब मेरा क्या होगा, अब तो ऊपर वाला ही बचाए। सलमान मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। देखो अश्विन जी, बाबा है ना बहुत बड़े कव्वाल, अगर किसी का दिल टूट जाए तो इनकी कव्वाली जरूर सुनना, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। हाँ सच, चलो खीर खाते। अच्छा चलो।
कल तुम लोगों को मैंने पैसेज दिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का. हैव यू डन इट? कब किया था उसने? कब किया था उसने? आई थिंक नोबडी हैज डन इट. तुम लोगों को मार खाने का बहुत शौक है. आई डू एंजॉय इट. ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी क्लास एक साथ भूल जाए. और क्या यार. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. गुड आफ्टरनून सर. अरे क्या हुआ, सबके चेहरों पर 12 क्यों बजे? सर आज घमाड़िया मैडम ने पूरी क्लास को खूब पीटा. ऐसा क्या किया आप सब लोगों ने? कुछ नहीं, बस स्कूल में एडमिशन लेने की गुस्ताखी. अच्छा ठीक है, आज हम कुछ हल्के फुल्के बातें करते हैं. सर तो फिर अंताक्षरी खेलते हैं ना? हाँ. अंताक्षरी. अंताक्षरी. ठीक है ठीक है. अंताक्षरी. गर्ल्स वर्सेस बॉयज. सर जी ऐसी कौन फिल्म नहीं है, ये लड़की झूठ बोला था. झूठ है सर. मुझे भी नहीं लगता ऐसी कोई फिल्म. हाँ सर नहीं है. नहीं है सर. है सर. मैं बताती हूँ. मैं बताती हूँ. मुझे पता है. ये कहाँ से ढूंढा तुमने? है ऐसी फिल्म ऐसा? अरे वाह मेरे शेर. अब ऐसा कुछ नाम लिखना कि उसको नानी याद आ जाए. तालियां. खड़ी रहे और ये अंताक्षरी ऐसे ही चलती रहे तो सारी जिंदगी मैं इसी क्लासरूम में बिता दूं. इतने करीब होकर भी परी ने एक बार भी मुझसे नजर नहीं मिलाई. कुछ तो करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे हार नहीं गिनना पड़े.
लड़कों की इज्जत है तेरे हाथ में। अबे सच में नहीं आता यार। क्या नहीं आता बता दे यार। यस। देखा कैसे नजर मिलाई। अब क्या हार और क्या जीत। टाइम अप। मैं तो हार कर भी जीत गया। समय आ गया कि परी को मैं अपने दिल की बात बता ही दूं। क्या फट्टू हूं मैं भी। अब तो मुझे राज मामा ही बचा सकते हैं। ए मामा कहां पे है? मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अरे मुझे अपना काम करने दे। अरे भगवान मेरे मामा को भेज दो वरना मेरी कौन है वे? ओए मामा कितनी बढ़िया टी शर्ट है ये तो। अबे टी शर्ट देखकर मामा को भूल गया तू? हाँ अरे नहीं मामा, हाउ आर यू? मामा से ऐसे मिलते हैं? मामा आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। अबे ये भी भूल गया, मामा से ऐसे नहीं ऐसे मिलते हैं। और अंजम कैसा तू? हाँ एकदम बढ़िया। अरे मामा मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो करना, हमारी बातचीत बंद थोड़ी है। हाँ। तो ऐसा करते हैं चेंज करते हैं, पे चलते हैं, फिर खूब बातें करेंगे। चले, चले, चलो 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 कहाँ चलो? कहाँ चले मतलब? राणा जी के घर पे नहीं चलना है लड़की देखने? दीदी वो कान जी मेरा मतलब राणा जी कल चल रहे ना? नहीं नहीं कल तो बंसल जी के घर पे जाना है। चलो चलो। दीदी तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्यों राणा जी के घर पे नहीं जाना है लड़की देखने? अरे आपने बताया नहीं दीदी को शॉपिंग के लिए ले जा रहे हैं। शॉपिंग? वो तुम्हारे शेविंग किट कल मैं ऑफिस से आ रहा था, एक शोरूम में बहुत बढ़िया इयर रिंग्स देखी मैंने। मेरे लिए? अरे ये कहाँ गए? अरे राणा जी के घर ये भी चले गए। मामा मामा राउंड लगा रहा है। मामा अरे मामा रुको, गिरेगा क्या? इधर इधर इधर। वो लड़कियों के बारे में क्या बता रहे थे आप? बताता हूँ। तुम लोग कहाँ थे? हाँ गर्ल्स। हाँ देख गर्ल्स आर बेसिकली मेड ऑफ शुगर एंड स्पाइस। अच्छा कुछ ज्यादा तीखी होती है तो कुछ ज्यादा मीठी। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि उनसे डील कैसे किया जाए ताकि मिर्ची से मुंह भी ना चले और मीठे से डायबिटीज भी ना हो। एक कॉन्सेंट्रेट कर, काम की बात बता रहा हूँ। देख जो लड़कियों से डील करना सीख जाते हैं ना वो रिलेशनशिप में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं और जो सक्सेसफुल नहीं रहते वो फिलोसोफर बन जाते हैं। रोमांस का इतना ज्ञान दिया राज मामा ने पर फिर भी मैं उन्हें परी का राज नहीं बता सकता। कहीं गलती से उन्होंने माँ को भूल दिया तो? नहीं नहीं यह रिस्क मैं नहीं लूंगा। मेरी क्लास में एक लड़का है, मनोज देसाई नाम है उसका। वो बहुत दिनों से क्लास की एक लड़की पर लाइन मार रहा है मगर आगे क्या करे उसे कैसे बताए उसे समझता ही नहीं। मुझसे पूछ रहा था, मैंने साफ बता डाला कि भाई मैं इन सब मामलों में जीरो हूँ। इधर बताता हूँ। हाँ बताइए। देख सबसे पहले उसे जाकर कहे कि लड़की से बात करने की जल्दी ना करे। If he pushes, she will resist. इसलिए कुछ ऐसा करे कि उसका ध्यान उसकी तरफ खींचे। Just try to create an impression, you know. और हाँ, कभी भी लड़की के सामने जाकर उसे छेड़ने की कोशिश ना करें। उसके लिए हीरो बनने की कोशिश करें। हाँ। एक बार लड़की इंप्रेस तो निकल पड़ी लव एक्सप्रेस। लेकिन परी को इंप्रेस करूं कैसे? नजरें मिलाने में इतना समय लगा दिया, पता नहीं बात करने में कितनी सदियां लेगी। कुछ तो अरे ये मित्रा परी के साथ क्या कर रहा है? इसका कोई चक्कर तो नहीं? अब नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बताना यार मित्रा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे घर के पास के पहाड़ से अपने शहर का बड़ा खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। हाँ कभी आया नहीं है क्या? नहीं। दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। अच्छा तो मैं आजा। दिखाएगा मुझे? अरे वहाँ से तो मैं तुझे किसी का भी घर दिखा सकता हूँ। तो आज पक्का। वाओ कैसा लगा? क्या बढ़िया नजारा है यार, बढ़िया। अबे
तेरा घर कहाँ है? वो देख, वो जो ऊंची सी बिल्डिंग है ना, उसके बिल्कुल पीछे। और अपने क्लास में जो सुरेश है ना, वो उसका घर है। अच्छा, और कौन रहता है? परी। परी? परी कहाँ रहती है? अरे ये पीछे वाले घर में। वहाँ? हाँ। अच्छा। यहाँ से थोड़ा आगे जाके सुनील का घर है, और उसके बाद भूषण का। अच्छा, मुझे एक काम याद आ गया, मैं चलता। निकल रहा है? ठीक है, बाय। शादी करूंगा बाबा, करूंगा, और उसी लड़की से करूंगा जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। अरे ये हुई ना बात मामा, तो फिर जल्दी करो ना। प्यार से शादी तक के सफर में बहुत मोड़ होते हैं, ये सब इतना आसान नहीं होता। खैर छोड़ इन बातों को, तू बता तेरे स्कूल में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, सब वही के भाई। और एक वो मनोज देसाई, उसकी गाड़ी तो आगे निकलती ही नहीं, वो तो अब उसके घर के फेरे भी लगा रहा है, पर वो लड़की घर से बाहर निकलती ही नहीं। हो सकता है उस लड़की का किसी और के साथ अफेयर हो। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ए, तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता है ये? हेलो, कहीं तू तो मनोज देसाई नहीं है ना? हा? मामा को मामा बनाकर खुद अपना टांगा बिड़ा रहो। अरे मामा, नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? आई मीन, आपको तो मालूम है कि मैं इन सब मामलों में पड़ता ही नहीं हूँ। तो नर्वस क्यों हो रहा है यार? टेक इट इजी, मनोज को कहना कि उसके घर जाए, उसके घर वालों से जान पहचान बढ़ाए, चाय पिए, पकौड़े खाए, गप्पे लड़ाए, उसके छोटे भाई बहनों के साथ खेले। ऐसा करने से उसका काम भी आसान होगा और किसी को शक भी नहीं होगा, है ना? हाँ मामा, यही करूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, आमी उसे कह दूंगा। मुझे लग रहा है दूसरों के फेस देखकर तुम खुद अपने अफेयर के सपने देखने लगा है। अफेयर? माँ जिंदा नहीं छोड़ेगी मामा। अरे जंप एंड फॉरगेट अबाउट माँ यार, और सपने देख, और उसे सच करना भी सीखा। चल कौन से कोचिंग क्लासेस? प्रवीण कोचिंग क्लासेस, वहाँ के टीचरों का काफी नाम भी सुना है। लेकिन वो तो काफी दूर है, इसका मतलब तुझे आते हुए लेट हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर में बैठा रहूंगा मैं। माँ, मैं ऐसे कुछ भी कहूँ तो ऐसे बुरा ही लगता है। अरे अश्विन, वो तेरे भले के लिए कह रही है, आखिर वो तेरी दीदी ही है ना। दीदी है ना? तो फिर दादी क्यों बनती है? देखा माँ, तूने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। ए अश्विन, और अब जवन लोग आ रहा है वो सब साला रहती माँ। तू ही बता, बहिनर जी मैडम वह दिखी का? हाँ दिखी ना, स्लीवलेस था का? नहीं ना, वही तो नहीं था। फिर कौन मजा नहीं, स्लीवलेस नहीं यानी आज का भी नजर चला गया, अकेली थी का? अरे वो कुलकर्णी भी था ना, चार कदम पीछे पीछे। हम क्या कहते हैं, बहुत हो गया इनका चोरी चुपत मिलना, अब इनका ब्याह करा ही देना पड़ेगा। बहिनर जी मैडम, कुलकर्णी सर, you know, it's all right. बड़ा कंफ्यूजन है भैया अब हमारे साथ में। अब हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है, शादी में लड़के वालों की तरफ से जाएंगे या लड़की वालों की तरफ से? Stupid, समझ में नहीं आता तुम्हें, क्या करते रहते तुम, दिखाई नहीं देता कोई कुछ भी आके लिखे जाता है? Idiot. आप इसी तरह रोती रहीं तो उनका मजाक वाकई में सच हो जाएगा। आई मीन, इस तरह तो लड़कियां अपनी विदाई में ही रोती है ना? हाँ? लीजिए, यहाँ तो मेरी इतनी बदनामी हो रही है और आप है कि आपको मजाक सूझ रहा है। और नहीं तो क्या, मजाक को अगर मजाक की तरह नहीं लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पर उन्होंने भी तो हद कर दी ना। अरे ये तो स्कूल लाइफ की शरारतें हैं, इस उम्र में सभी करते हैं, मैंने भी की थी, आपने भी की होगी, ठीक है ना? की थी कि नहीं? आप भी ना।
Yes. Sir, आपका और बैनर्जी मैम का कोई सीन है क्या? What? अब तुम शुरू मत हो जा। Sir, मुझे लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। Stupid girl. Excuse me, ma'am. Yes? So, actually, ये जो problem है वो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है। Sir, one more. ये जो diagram है वो ठीक है ना? ये ठीक है ऐसे ही और सर बाकी बात हुआ। अरे ओ बांडवा 006 बांड को उस दुनिया के बारे में जानकारी है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, यानी तवायफों की गलियां। दुनिया ऐसे ही एक नाचने गाने वाली है जिसकी कहानी हम बड़े चाव से सुनते हैं। फिर क्या, मिश्रा ने अपनी पंडिताई दिखाई और 2 रुपए ज्यादा दे दिए और फर्स्ट एंट्री पर आ गया और बनिया बेचारा पीछे रह गया। फिर तो वाट लग गई होगी जी धनिया की। नहीं रे, अब उसे क्या फर्क पड़ता है, 2 जाओ या 10 जाओ सब पे भारी पड़ेगी वो। ए, बहुत मजा आता होगा ना? क्या पता, मगर लाइन तो बड़ी लंबी लगती थी। मतलब अपने जैसे लड़का भी जा सकता है का? जा तो सकता है मगर टिकेगा क्या? तू गया क्या कभी? मन तो बहुत हुआ यार, साली नीचे से धोती बांधती है, कसी चोली, चाल मत वाली, इधर भटकना मत माँ बोली। अरे धनिया ना ही तो उसका गाना ही सही, उसना ही दो, उसना भावना। हाँ सुना सुना। हाँ चल सुना सुना, बड़ा मजा आएगा। करजवा को भाए इश्क सरारा, मैं तपती हुई धूप सर्दी कमारा। बहुत हो गया भाई, बस कर अब। नहीं मांगता। अबे टुच्चे धनिया की आवाज में का? ए, चल मेरे का तो मेरे का। अरे गाओ धनिया, अरे बाज धोती मटकती चाल, हाय हाय गामा। पीपी कह रहा था कि हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सही कह रहा था पीपी, ये नई बैंत आई है। हाँ? बैंत? बैंत? हाँ, इसको टेस्ट करने के लिए तुम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सर जी, पीपी ने पीके कौनो गलती की होगी, हम लोग कहाँ सिलेक्शन के लायक हैं। चलो भैया बधाई करेंगे। शर्म नहीं आती उल्टे सीधे जवाब देते हुए है? चतुर्वेदी सर की क्लास बंक करते हो, आज क्लास बंक की है कल स्कूल बंक करोगे, सड़क पर आवारागर्दी करोगे, स्कूल का नाम खराब करोगे। पीपी यस सर। प्यारे यस सर, कल इनके घर वालों को बुलाओ। ओके सर। तभी इन्हें स्कूल में एंट्री देना। ओके सर। लेकिन सर क्या पिताजी पूछेंगे कि क्लास शुरू होने के 10-15 मिनट बाद तक भी अगर कोई टीचर ना आए तो हम क्या जवाब देंगे? 10-15 मिनट बाद? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर।
क्यों मिस्टर चतुर्वेदी? सर सर वो मैं अपने पेपर चेक कर रहा था सर। पेपर्स? अभी? सर मैं तो एनीवे तुम लोग जाओ। हाँ। और सुनो पेरेंट्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये चला भाई चला खिसक ले। तुम्हारे पीने की बहुत खबरें आ रही हैं मिस्टर चतुर्वेदी। हाँ वाह बच्चवा तुम्हें दिखाए जाकी भाई दंजी मैडम की इस क्लास में क्लास जो मैडम भाई भागो भैया शो का टाइम ये ना। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। डेट भी नहीं चेंज की तुम लोगों ने। सिक का नजारा है मैडम क्या है आप जानते हो महेश नीचे बैठ ये लोग ना जानबूझ के गलत डेट डालते हैं अच्छा और वो जानबूझ के गलत डेट क्यों डालते हैं क्योंकि वो आपका ठीक है आज का टॉपिक है काल पहला है भूतकाल जैसे राम ने रावण को मारा तुम बताओ सुरेश ने महेश को मारा अब वर्तमान काल लड़का दूध पीता है महेश दूध पीता है महेश मार खाता है जवाब तो सबने सही दिए लेकिन सब लोग महेश का ही नाम क्यों ले रहे हैं उका है मैडम हमका महेश का नाम बहुत पसंद है और हम में से किसी एक को बहुत ही ज्यादा पसंद है अब टिकट नहीं मिली तो क्या करूं मैं अरे ये सुकड़ी कहां से आ गई ये है मेरा फ्रेंड महेश और साथ में महेश भी हेलो आज तो गया मैं लगता है सबका बदला मुझसे ही लेगी देखने से पिक्चर ही आया है लेकिन पोस्टर्स देख के काम चला रहे आपके थिएटर में टिकट तो मिलती नहीं है ऐसे कैसे नहीं मिलती यहाँ का मैनेजर महेश का बहुत अच्छा दोस्त है महेश हमारे साथ इनके लिए भी दो टिकट मंगा लेना बस जस्ट एक मिनट में आया मैं वैसे आप क्या करते हैं ये लेडी विल्सन कॉलेज में प्रोफेसर है इंग्लिश के अच्छा लेकिन हमारे स्कूल की वो घमाड़िया मैम है ना उन्होंने इंग्लिश का पूरा भूत बना रखा है देखो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है तुम ऐसा करो हर रोज 5 शब्द याद करो इंग्लिश के इससे तुम्हारी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा वाओ थैंक यू फॉर द टिप जैसे टीचर इंटरेस्टिंग हो तो सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगता है ना ओके लेट्स गो फॉर एन आइसक्रीम गाइस हां मैं सबके लिए आइसक्रीम ले आती हूं या खाली शाइनिंग मारती है इतनी बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी इससे अच्छा तो हम किसी और दिन फिल्म देख लेते क्यों क्या हुआ देखा नहीं कैसे महेश के साथ घूम रही है उसका पुराना अफेयर है वो लेकिन मेरे दोस्तों ने अगर मुझे उसके साथ देख लिया तो वो तो मुझे बॉयकॉट ही कर देंगे व्हाट नॉनसेंस यार आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू क्या सोचता है तू मुझे लगता है दिलेर लड़की है अपने दिल की आवाज सुनती है इनमें लड़ने का जज्बा होता है अपनी बात मनवाना जानती है एंड मार्क माई वर्ड ये लड़की किसी भी दिशा में जाएगी ना अपने इसी लड़ने के जज्बे की वजह से अपने आप को हारने नहीं देगी She is daring. वो देख चमक चलो जा रही है ओए कुलकर्णी की चमक चलो जरा धीरे चलो पतली कमर तिरछी नजर देखते किधर है मस्ती भरी तेरे बाल उमर है उसमें ऐसे डेयरिंग वाले लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं अरे अश्विन वाह मतबल अगर हम सीरियस हो जावत है तो हमका केवड़ा मिलेगी का मिलेगी ना अब क्यों नहीं मिलेगी केवड़ा अब तो सीरियस हो ही जावत है भाई हर बैनर्जी हमारी प्यारी मैडम व कुलकर्णी की दुल्हनिया ये नहीं सुधरेगा पर मुझे तो सीरियस होना ही पड़ेगा वरना कुछ भी नहीं हासिल कर पाऊंगा अब विजय भाई को देखो हर बात कैसे सीरियसली करते हैं इनको देख के लगता है जैसे हिमालय को भी हिला के रख देंगे विजय हाय मुझे तुम्हारी किताब लौटानी थी ओके और मुझे वो शेगियारा की बायोग्राफी भी चाहिए तुम दोगे शेगियारा कल देता हूँ बाय बाय ऐसा करना पब्लिशर को बोलना लगता है माहौल कुछ बदल रहा है इस हादसे में 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं सरकार ने हौसला रखने की अपील की है पिछले 5 साल में महानगर में 20 से भी ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं दहशतवाद का नया चेहरा गुड इवनिंग अंकल खतरनाक होता जा रहा है कमाल हो गया आज सूरज किस तरफ से निकला था
हमारे मास्टर्स चेस नहीं खेल रहे? जैसे तुमको जानते ही नहीं हो। मालूम है ना ट्रेन में कितने ब्लास्ट हुए? 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ऐसे मातम में कौन चेस खेलेगा? सब लोग टीवी पे न्यूज देख रहे हैं। मालूम नहीं बेटा इस देश का क्या होने वाला है। आपको मालूम है अमेरिका भी यही सवाल पूछता है, और वो है ना हमारे पुराने मालिक ब्रिटिशर्स, वो लोग भी, पर उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। आफ्टर ऑल उन्हीं लोगों ने तो इन लोगों को खड़ा किया। हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं ये मौत का सिलसिला कब खत्म होगा। देखिए टेररिस्ट खुद को क्रांतिकारी समझते हैं, उनके लिए ये हक की लड़ाई है। तो तुम भी अपने हक को पाने के लिए ये सब कुछ करोगे? नहीं नहीं ये हमारा तरीका नहीं, पर जो नक्सलवादी होते हैं जो ऐसा सोचते हैं वो यहीं कहीं करीब रहते हैं। तुम मुझे डरा रहे हो। आपको कौन डरा सकता है? पर देखिए अंकल, क्रांति और प्रतिक्रांति दोनों साथ साथ रहते हैं। हर देश का दस्तूर है, सिर्फ तरीका अलग अलग होता है। हम लोग बुद्धा की राह पर चलते हैं, क्योंकि हम लोग पेंडुलम की चाल को समझते हैं। इस चाल को समझिए, पहले इस तरफ जाता है और फिर उस तरफ। 5,000 साल के बाद अब ये इस तरफ चला है, तो इसे रोकिए मत, क्योंकि अगर इसे रोका तो कुदरत के नियम टूटेंगे, और अगर नियम टूटेंगे तो सजा मिलेगी। ना चाहते हुए भी तुम्हारी बातें कई बार सच लगती हैं। पता है क्यों? क्योंकि सच खुद ब खुद चमकता है, बिल्कुल आपकी सफेद कुर्ते की तरह। कल मैंने ब्राउन पेपर कवर लगाने के लिए कहा था सबको। हैव यू डन इट? यस मैम। यो यो, दैट इज नॉट ब्राउन, दैट इज येलो। बट मैडम दिस इज लाइट ब्राउन। आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट आई डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन एंड येलो? नो मैम। इनफ, अभी तुम्हें बताती हूँ। इज दिस ब्राउन? हाँ, इज दिस ब्राउन? मैम पापा खुद लेके आए थे मार्केट से, उन्होंने ही लगवाया है। स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी। पापा खुद मार्केट से लाए थे। प्लीज मैम, प्लीज मैम, येलो लाके ब्राउन कर दें। कैसे पापा ही भाई? स्टूपिड, जस्ट लाइक यू, स्टूपिड। नेक्स्ट टाइम एनीबॉडी ब्रिंग्स एनीथिंग बिसाइड्स ब्राउन विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास, रिमेंबर इट। जरा सी बात पर इतना अपमान। आज मेरी परी रोई और मैं कुछ नहीं कर पाया, देखता ही रह गया। पर नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे हीरो बनना ही होगा, इस घमाड़िया को सबक सिखाना ही होगा। हिटलर, संसार का सबसे भयानक तानाशाह, इसकी जिद के कारण संसार के लाखों लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा। उसके एक गलत फैसले के कारण सारी दुनिया को सेकंड वर्ल्ड वॉर झेलना पड़ा। तो डिक्टेटर यानी वो आदमी जो सारे देश को अपनी ही बात डिक्टेट करे, यानी मनवाए, पूरे देश को अपनी ही मर्जी से चलाए, फैसले भी वही ले, सजा भी वही दे, ये तो नाइंसाफी है। इसका तोड़ तो जरूर होना चाहिए। हाँ, तानाशाही का एक तोड़ है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जिसमें जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आंखें खोल कर रखे, गलत सही की पहचान करे, ताकि कोई गलत आदमी उन्हें अपनी मर्जी से ना चलाए। क्योंकि डिक्टेटर्स कभी बाहर से नहीं आते, जनता के बीच ही पैदा होते। Very quiet and a disciplined class. Good. जिसने भी लिखा है चुपचाप खड़े हो जाओ। सुना नहीं तुमने? लगता है जब तक तुम लोगों की पिटाई नहीं होगी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी। देखो अब भी तुम्हारे पास वक्त है, सच सच बता दो किसने लिखा है ये, किसने लिखा?
बाद सब पिटोगे। You all will be beaten। पूरी क्लास की पिटाई होगी, समझे तुम लोग? This from you. Come here. Now you will know what a dictator is. अब ये निशानी तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और ये निशानी मैं भूलना भी नहीं चाहता। पहले प्यार की पहली निशानी। अपने बचपन में बहुत ही पिटी होगी, तभी साली अब हमसे बदला लेते हैं। साली की कभी जिंदगी भर शादी नहीं होगी, अगले सात जन्म में नहीं होगी जी। अरे क्या हो रहा है उधर? अब इसे हीरो बनने की क्या जरूरत थी? ऐसा मत कहो, कितनी मार पड़ी है बेचारे को। हट जाओ, हट जाओ। सचमुच बहुत मारा, लेकिन तुमने बोर्ड पर डिक्टेटर क्यों लिखा? वो घमाड़िया हर वक्त सबको बेवजह मारती है, सबके सामने अपमान करती है। यह तुम्हारी दर्द बर्दाश्त करने की ताकत एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। इस चिंगारी को बुझने मत देना। क्लास में तो बस बोर ही हो गया, सोचा था यहाँ तो कुछ अलग होगा, पर स्कूल में और कोचिंग में कोई फर्क नहीं है। शा, वही किताबें, वही भीड़, सिर्फ यूनिफॉर्म का फर्क है। हाँ, न जाने क्या हो गया है, आजकल भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लगता है आसपास के सारे लोग इधर ही आ गए हैं। अच्छा, तो तुम भी आसपास ही रहती हो क्या? हाँ, यही पास में। और तुम? आना नगर। लेकिन वो तो काफी दूर है। हाँ, मतलब नहीं, आई मीन वही आनंद नगर। लेकिन मैं तो एक शॉर्टकट से आता हूँ ना, वो इस क्लास की बड़ी तारीफ सुनी थी ना, इसलिए। और फिर स्कूल की पढ़ाई भी कहाँ पूरी होती है, ऐसा घर वालों को लगता है। तो फिर क्या घर वालों के लिए ही कोचिंग ज्वाइन की? नहीं, वैसे भी नहीं, आई मीन मैंने भी सोचा कि क्लास में शाम अच्छी गुजरेगी ना, आई मीन पढ़ाई में। हाँ, और लड़कियों से बातें भी करने जो मिलेगी। वो तुम भी ना, क्यों खींच रही हो मेरी? घर जा रही हो? हाँ, और क्या। तो कौन कौन है घर में? पहले तुम बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में, मेरे घर में मम्मी, पापा और महामाया। महामाया? हाँ, महामाया मेरी बड़ी बहन, हमेशा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी रहती है। बाप रे। अब बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी, डैडी, दो बहनें और एक भाई। भाई, आई मीन छोटा या बड़ा? छोटा भाई। छोटा तो मैं जाऊं? फिर मिलोगी? ना पापा, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, और तुम भी यहाँ पे मत आना,
किसी ने देख लिया तो? हाँ वो तो। अच्छा चाहती हूँ। अब जो भी हो, आखिर परी ने मुझसे बात तो की, मुझसे। अब लगता है कि सचमुच परी सपनों की दुनिया से जमीन पे उतर आई, सिर्फ मेरे लिए। Yes, 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 Mama, I love you. अब क्या गिरा? जानी दो ना, तुम आ गई ना। आज फिर जल्दी बाहर आ गए? मुझे क्लास में बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसे मन भटकेगा तो पढ़ोगे कैसे? किताबें इंटरेस्टिंग होती तो मन भटकता है क्यों? और मैं तो वही करता हूँ जो मुझे पसंद है। और फिर जो चीजें पसंद है उन्हें देखना, उनसे मिलना, कोई गुनाह तो नहीं है ना? अच्छा परी सुनो, मैं तुमसे मिलता हूँ, तुमसे बातें करता हूँ, बुरा तो नहीं लगता ना? बुरा तो नहीं, पर ऐसे सड़क पे खड़े होके बातें करना चोरी लगती है। और इतने जान पहचान वाले आते जाते रहते हैं, किसी ने देख लिया तो मेरी इमेज कितनी खराब हो जाएगी। हाँ बात तो सही है, तो क्या करे, कहीं और मिले? कुछ नहीं। परी सुनो, थोड़ा सा कर दे करम, थोड़ा तो कर दे रहम, संग तेरे जी लेने दे, चाहत का रख ले भरम, थोड़ा सा कर दे। परी, वो तुमने वो बुक मंगाई थी ना मुझसे? कौन सी बुक? ग्रामर की। ओ हाँ, कुलकर्णी सर वाली। हाँ तो पूरे पन्ने पढ़ लेना। हाँ, ओके। हाँ ओके। वो मेरा कैसी है मधुशी, कैसा है छाया हो गया? नहीं, मैं ही जल्दी आ गई थी, भगवान इधर नहीं उतर है। हाँ, आओ। अच्छा बताओ, तुमने वो चिट्ठी क्यों लिखी? नहीं लिखता तो तुम कैसे आती? मुझे इस मंदिर में क्यों बुलाया? कुछ खास बात है क्या? कोचिंग में भी तो बता सकते थे। अरे तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो? अरे
अब चुपके हो गई। उफ़ो, तुम भी ना इतने दूर मंदिर बुलाते हो, कभी चुप रहने को कहते हो, चुप रहो तो शिकायत करते हो, मुझे तो कठपुतली की तरह नचाते हो। अब तो ये जिंदगी भर करना पड़ेगा। क्या कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुमने कुलकर्णी सर की रिपोर्ट बना ली इंटरनेशनल टेररिज्म पर। रिपोर्ट मैं तो भूल ही गई। मैंने तो पूरी कंप्लीट कर दी, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ब्लास्ट, लंदन ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट, ऐसा सब कुछ। पूरे 50 पन्नों की रिपोर्ट बनी है। बाप रे, 50 पन्ने! इतनी सारी जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? हमारी कॉलोनी में एक विजय भाई है, वो तो इन सब मामलों में पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। हाँ? उन्होंने ही दी है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारी जानकारी दे सकता हूँ। सच? हाँ, कल ही स्कूल में देता हूँ। स्कूल में? ना बाबा ना, किसी ने देख लिया तो सब कॉपीकैट कहके चिढ़ाएंगे। कॉपीकैट? तो तुम्हारे घर आऊँ? मेरे घर? हाँ? आ जाओ। थैंक यू भगवान जी। लेकिन सुनो, अब तुम्हारे घर वालों को बुरा तो नहीं लगेगा ना? और तुम्हारी माँ? मेरी माँ? तुम्हारी माँ कुछ कहेगी तो नहीं ना? नहीं तो मैं कह दूंगी क्लास का लड़का है। क्यों? क्लास का और कोई भी आता है? क्यों, कोई और आएगा तो बुरा लगेगा क्या? हाँ, अब नहीं लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? फिर सवाल, सब समझती तो हो क्या? परी, परी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है। भगवान जी आ गए महाभक्त। क्यों रे, क्या मांगा भगवान से? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? माँ जानती हो, आज ये नदी वाले शिव मंदिर गया था, अंजलि ने देखा है तुझे। अच्छा? घर के भगवान के सामने तो कभी फूल भी नहीं चढ़ा, और इतनी दूर के मंदिर गया था चमचागिरी करने। अरे, और देखो ना, वो भी इतना सच सवर के। अरे तो इसमें बुरा क्या है? एग्जाम जो सर पे आई है तो गया होगा आशीर्वाद मांगने मंदिर में। हाँ माँ, वही वही वही, हाँ एग्जाम के लिए गया था मैं। सज धज कर भगवान के सामने खड़े होने से या फिर फूल चढ़ाने से अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ तो तुझे क्या मालूम मैं कितनी मेहनत करता हूँ दिन रात। और हाँ, आज मैं मंदिर गया था, मालूम है कितनी पवित्र फीलिंग होती है। और चल, तू मेरा मूड खराब मत कर। अश्विन, मेरे हैं
से मेरी कहानी बज गए तो मैं क्या करूं? पढ़ते पढ़ते ख्याल ले रहा, पढ़ते पढ़ते ख्याल ले रहा, बेवकूफ समझा है मुझे। लाइब्रेरी गया था या फिर खड़े खड़े रस्ते पे लड़कियों से गप्पे लड़ा रहा था? लड़की गप्पे? क्या बात कर रही हो? पद्मा ने मुझे बताया, उसने देखा है तुझे। पहले मुझे बता, तू कोचिंग क्लासेस जाता है या फिर क्लासेस के नाम पर तफरी करने? बताओ माँ को। माँ को? माँ को क्यों? इतनी सीधी सी तो बात है, वो लड़की कल अब्सेंट थी, इसलिए होमवर्क समझा रहा था बस। ए, रुक। तो फिर तुझे देर लाइब्रेरी में हुई या फिर उस लड़की को होमवर्क समझाने में? बोला ना लाइब्रेरी में देर हुई। और सुन, मैं लड़कियों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, ओके? चल हट अश्विन। पता है कल दीदी ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, इतनी देर कहाँ से आया? तो कह देना था, मुझसे बातें कर रहे थे। ऐसे कहूँगा तो मेरा कचुंबर बना देगी वो। क्यों, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? अच्छा सुनो। हाँ बोलो। किसी को हमारे बारे में पता तो नहीं है ना? नहीं। और वो डॉली जो आते जाते तुम्हारे साथ चिपकी रहती है, उसे पता चल गया तो? तो उसे पता है। आई डोंट बिलीव इट। अच्छा सुनो, मैं कुछ सामान लेने दुकान जा रही हूँ, तुम आ रहे हो? क्या तुम आ रहे हो? हाँ आ रहा हूँ। जानती हो मेरी दीदी की जासूस कौन है? कौन? उसकी सहेलियाँ। हाँ पर वो लोग यहाँ थोड़ी ना आएंगे, ये जगह तो काफी दूर है। अरे अश्विन तू और बहुत ही लंबे हो गए हो, और हेयर स्टाइल भी चेंज किए शायद। यहाँ कैसे? हाँ वो मैं कुछ सामान खरीदने आया था।
तो खरीद लिया या बाकी है? बाकी है। अच्छा, लेकिन घर से इतनी दूर? वो मैं ग्राम बुक लेने आया था, हर जगह तो नहीं मिलती ना। ये तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ। क्या तुम भी ग्राम बुक लेने आई हो? हाँ, ये मेरे क्लास में ही है। लेकिन तुम भी तो काफी दूर रहती हो ना, तो तुम कैसे इधर? क्या तुम भी ग्राफ बुक लेने आई हो? वो मैं अपने दोस्त सहेली से मिलने आई थी। हाँ, तो मिल लिया या मिलना बाकी है? बाकी वो सब छोड़ो ना, वो रानी से कहना कि मेरी वो किताब लौटा दे। कौन सी किताब? देखो देखो, वो उसको मालूम है। नहीं तो उसे कुछ मत कहना, मैं निकलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ मत कहना। अरे अब तुम इतना कह रही हो तो बता दूंगा ना कि तुम मिले थे दोनों। आओ महामाया। क्या है? आज तुम्हारी सहेली मिली थी। कौन? अंजलि। वो तुम्हें कहाँ मिली? बाजार में। बाजार में कहाँ? नहीं नहीं, सड़क पर। लेकिन अभी तो तू कह रहा था बाजार में। हाँ तो बाजार में सड़क नहीं होती क्या? ये क्या बकवास कर रहा है? कौन सी सड़क पे? वही सड़क जो सदर बाजार से आगे जाके राइट को मुड़ती है और फिर लेफ्ट को मुड़ती है और आगे जाके खत्म हो जाती है। और हाँ, उसने तुमसे एक बुक भी मंगवाई थी। बुक? कौन सी बुक? एक्चुअली नहीं भी मंगवाई थी। मंगवाई भी थी, नहीं भी मंगवाई थी, तू ठीक से बता। और हाँ, वो अकेली नहीं थी, उसका एक सहेली भी था साथ में। उसका सहेली? क्या बात कर रहा है? सहेली कम बॉयफ्रेंड था वो। ओह शिट, वो सागर के साथ थी। अच्छा तो वो सागर था? अरे वो देखो, घमाड़िया मैडम आ रही है। बदला लेंगे, जय काली मैया। अरे रुको, उसे तो छोड़ दो, आज ही मरने की ठान ली है क्या? अरे ये उनकर क्लास नहीं, अब उनका अड्डा है, अभी उनकर हवा निकालत हूँ। जाड़ी मोटकी कहानी कुंवारी बुड्ढी हिटलर की अम्मा डबल बटरी। कौन है? ये अब तो मर गए यार। ए, तुमने कुछ सुना? हाँ, कोई किसी को चिढ़ा रहा था। हाँ वो तो आपको ही चिढ़ा रहे थे। मुझे? नहीं नहीं, वो तो मोटी हिटलर पता नहीं क्या। मैम वो आपकी ही तो चिढ़ है। मुझे? हम नहीं मैम, वो लोग चिढ़ाते हैं। कौन है वहाँ? अयो सच में मर गए यार, सब कुछ तेरे वजह से ना डरपोक साला। अबे साले बोला था ना तुझे इसे मत छेड़। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैम वो वही होते हैं लड़के, सबको चिढ़ाते हैं वो रोज। स्कूल में किसी को बताना नहीं कि लड़के लोग मुझे इस नाचे चिढ़ाते हैं। हाँ चलो। चली गई। अबे बोला था ना तुझे आज तो मरवा ही देता तू। उदेख अश्विन की लाइन आ गई परी। मेरी लाइन? क्या बकवास कर रहा है? आई जा, चलो देख रहे तो। हे अश्विन, 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 ये अश्विन है, ये अश्विन। ना ही देखा दे रे। नहीं रे, तेरे लाइन नहीं रे। नहीं है तेरी लाइन, नहीं है। मैंने कहा था ना। अच्छा हुआ तुमने कल ऊपर नहीं देखा, वो तो चिढ़ा रहे थे ना तुम्हें मेरे नाम से, मालूम है? पर तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ? हाँ? वो मैं बस वो छोड़ो, तुमने तो घर में इनवाइट किया था ना मुझे। मैंने? हाँ? इतना बड़ा दरवाजा, एक छोटी सी डोरबेल नहीं, कोई है घर में? मैं हूँ ना, कौन चाहिए? परी है घर में? क्या काम है? वो मैं उसके स्कूल का एक दोस्त हूँ। अरे क्रिकेट खेलोगे? क्रिकेट अभी? अरे नहीं अब। तो फिर परी भी नहीं है, फ्री में थोड़ी कोई काम होता है। हाय हाय, मेरा छोटा भाई। तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ? कि तुम्हें छोटा भाई है? वो तो काफी बड़ा है। अरे बाप रे, इतना सच सवरकर, कहीं और भी जन है क्या? नहीं तो मैं तो
यही आने के लिए तैयार हुआ था। क्या तुम भी घर में इतनी डेकोरेट होके रहती हो या तुम्हें भी कहीं जाना है? नहीं, मैं अच्छा चलो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाती हूँ। अच्छा चलो तुम्हारी माँ से मिलते हैं। अरे परी, अरे बुद्धू इधर नहीं उधर चलो। अच्छा तो तुम ही अश्विन हो? जी हाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हाँ मम्मी यही अश्विन है। तुम्हें कैसे पता? अभी तो इसने बताया। मेरी छोटी बहन। ये भी काफी बड़ी है। परी कह रही थी तुम क्लास में सबसे आगे हो। जी सबसे आगे तो नहीं पर टॉप 5 में आ ही जाता हूँ। वो भी क्या कम है? मैं तो कहती हूँ परी और तुम साथ साथ पढ़ लिया करो, कंबाइंड स्टडी करने से शायद उसका भी नंबर आगे आ जाए। अच्छा तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ। थैंक यू मम्मी। मुझे कब बुला रहे हो? कहाँ? अपने घर। मेरे घर? मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है और महामाया से भी। कहाँ खो गए? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो यही सोच रहा था कि घर वाले काफी खुश होंगे तुमसे मिलकर। हाँ जरूर काफी। हाँ और महामाया, महामाया तो लिपटी पड़ेगी तुमसे। हाँ जरूर, देख लेना देख लेना। बंधन सभी तोड़ के रस्में सभी छोड़ दी, रुस्वा जहां ने किया वो सारी हदें पार की। बंधन सभी तोड़ के रस्में सभी छोड़ दी, रुस्वा जहां ने किया वो सारी हदें पार की। आसमानी जीना सीख लिया, दिल से दिल को जीत लिया।
आने के बाद ऐसा लगता है कि सीखने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। यही तो नेचर की खासियत है। पहाड़ी की चोटियों को चूमने की खुशियाँ, नदी के बहाव को चीरने का दर्द, ऐसी जिंदगी की छोटी छोटी चैलेंजेस को जीतने की खुशियाँ किसी किताब में नहीं मिलती। लेकिन सर, ये हेवी सिलेबस, लंबे चौड़े होमवर्क, रूटीन टेस्ट क्या जरूरी है? इसमें से ज्यादा सब्जेक्ट तो हम बड़े होते होते भूल भी जाते हैं। लेकिन सिस्टम आखिर सिस्टम है, वी हैव टू फॉलो इट। हमारा सिलेबस, हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम कभी कभी बोरिंग हो सकती है, लेकिन जिंदगी की सिर्फ इतनी जरूरतें नहीं है। हमें इस दुनिया में जीने के लिए पैसे और करियर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमें ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। कितनी अच्छी नसीहत दी कुलकर्णी सर ने, पर वापस आते ही फिर वही रूटीन, फिर वही मस्ती। लोचा का दिल आ गया। अरे अश्विन सुनो सुनो, आजा आजा आजा। क्या हुआ? अरे वो टेंथ क्लास की उर्मी है ना, वो ऊपर किसी के साथ लगी हुई है। ऐसा? अरे तो चलो ना, लाइव टेलीकास्ट देखने को मिली है। पर वो कर क्या रहे हैं? वही तो। चलो वेंकट तुम भी चलो। रुको रुको, मैं नहीं आ रहा हूँ, और तुम भी मत जाओ। क्यों क्यों न जाएं? जरा सोचो, अगर हम भी उस उर्मी की तरह अपनी अपनी लाइन के साथ लगे रहे होते और किसी ने हमको देखा होता तो कैसा लगता? हा? क्या बे लोचा, अब तेरी बात ले। अगर तू भी केवड़ा के साथ लगा रहा, क्या हुआ? हम और केवड़ा साथ हो और कौन उन्हें देख लिया तो हम उकर जान ले लेंगे, उसकी आगे वोट डालेंगे। समझ में आई ना बात तेरे? हाँ बात तो सही है। अरे आज वो वैलेंटाइन डे था ना, उसका क्या हुआ? वैलेंटाइन वैलेंटाइन, हाँ वही वही। अरे आज सब लोग अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, हाँ तो हम भी कर देते हैं। अपना तो फिकस है। केवड़ा केवड़ा, आई लव यू केवड़ा। उन पहाड़ पर बैठी देवी और हम उसका भगत, पता नहीं कि देवी कब प्रसन्न होगी और कब मुझे फल देगी। और वेंकटवा तार कौन है का नहीं, इडली के लिए कौन सांभर? मेरी नहीं यार, अयो मेरी है ना वो अपनी के केरला में, केरला में थोड़ा 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 थोड़ा। ए बॉन्ड, अब तेरी बारी, तू बता। मेरा? अरे मुझे कौन लाइन देगा? अरे वो है ना, हुसैन दुआरा। और तू रे चुपा रे, मेरी वा वो है ना परी, परी हमका मालूम है, उसको चुपत चुपत देखा दो। हां चुपत चुपत, क्या बात कर रहे हैं? मेरा तो सब खुलेआम होता है। और सिर्फ परी ही क्यों? बोलना परी ही क्यों? परी है, नूरी है, नूरी सोनाली मोनाली बबली है, ऋतुजा अनुजा तनुजा सब है। और केवड़ा तेरी तो नहीं नहीं नहीं, केवड़ा तेरी, केवड़ा तेरी। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी लेवल बढ़ा ही दूं, यानी है बैनर्जी मैडम, त्रिपाठी मैडम एंड द फाइनल डेस्टिनेशन, हाँ वो वहाँ घमाड़िया मैडम। खुद के नहीं तो हमारी स्टैंडर्ड के बारे में तो सोच। नहीं देता वीडियो, लगता है मोहिनी ने आखिर कुलकर्णी सर को पटा ही लिया। नंदिता 18, वेरी गुड। शर्मा 12। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ आपके 10। सर एक्चुअली आई वाज डिस्टर्ब्ड। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? सर मुझे बताने में शर्म आती है, लेकिन वो आपके और मेरे नाम से गलत सलत बातें करते हैं और चिढ़ाते हैं। What nonsense? तुम पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देती? कौन है वो, नाम बताओ मुझे। सर मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन पीछे से आवाजें आ रही थी। लोगों की बातें क्यों सुनती हो? Go to your seat। और हाँ तुम लोग, आइंदा मुझे क्लास में ऐसी बातें नहीं चाहिए, यू अंडरस्टैंड? चलो भागो यहाँ से, वरना अपना गुस्सा हम पर उतारेंगे। चलो चलो हट जाओ यू स्टूपिड गर्ल। सो बट आई रियली कांट लिव विदाउट यू, आर यू लिसनिंग? आई रियली कांट लिव विदाउट यू, आई डाई विदाउट यू। कथित बड़े जाति के लोगों ने ये तो टीवी में नहीं देखा, के चार सदस्य की दिन दहाड़े हत्या की। इस हादसे को क्या बात है, आज कोई टीवी नहीं देख रहे? क्यों क्यों, हाँ आज कोई टीवी क्यों देखेगा?
न्यूज तो तब देखते हैं जब किसी शहर में किसी टेररिस्ट अटैक में 50 लोग मारे जाते हैं, किसी छोटे से गांव में जिसका नाम भी लोगों को याद नहीं, अब 4 गरीब दलित लोगों को मार दिया गया तो न्यूज थोड़ी ना होती है। कोई टीवी क्यों देखेगा? कैसी बात कर रहे हो विजय? हम सब ने उस खबर को टीवी के ऊपर देखा है और हम सब हैरान भी हैं। शहर में इतना बदलाव आ गया लेकिन गांव अभी भी वैसे के वैसे ही है। हम यह शहर में अपने एसी कमरों में बैठ के सोचते हैं कि हमारे देश में एक रेवोल्यूशन आनी चाहिए और हमें लगता है कि गांव में सब कुछ अपने आप बदल जाए, अपने आप। लेकिन गवर्नमेंट और पुलिस उस मामले में इंक्वायरी कर रही है बेटा। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? किसकी पुलिस? एंड प्लीज डेमोक्रेसी का तो नाम भी मत लीजिएगा मेरे सामने। 4 गरीब लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और केस को दबा दिया जाता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो विजय, हमें अफसोस है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अफसोस के अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? और वहां गांव में जो बच्चे हुए किसान हैं वो अपना हक मांगने के लिए उठते हैं, रिजर्वेशन मांगते हैं, तो आप अपनी बराबरी की लाठी उठा लेते हैं, तब बराबरी याद आ जाती है। 1057, आपको कुछ अंदाजा है ये आंकड़ा किस चीज का है? मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपके क्रिकेट का आंकड़ा नहीं है ये, उससे कहीं ज्यादा बड़ा स्कोर है। 1057 किसान झुंड विदर्भ में आत्महत्या कर दी, 1057। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हम लोग, मुबारक हो। पता है आपको प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ना तो अपना धर्म समझे, ना अपना बीता हुआ इतिहास और ना आने वाला भविष्य, क्योंकि हम लोग तो वही गलतियां दोहराते रहते हैं बार बार। They should teach us in school. If you forget your history, you're condemned to repeat it. And that's what we do. We keep repeating the same mistakes again and again and again. और हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब हम वही गलती बार बार दोहराते हैं तो उसका अंजाम पिछली बार से ज्यादा भयानक होता है। प्लीज तुम्हारा मत दोहराइए। आज तुम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जो बहुत नाजुक है। अभी ना तो तुम बच्चे हो ना तो पूरी तरह से बड़े हो। यह उम्र तुम्हें हजारों लाखों सपने दिखाएगी। कुछ सपने सच होंगे, कुछ टूट जाएंगे। तो इन टूटे हुए सपनों के बारे में मेरी तुम्हें यही सलाह है, इन सपनों को पीछे छोड़ दो, भुला दो उन्हें, नए सपने देखो, नई जिंदगी जियो। सपने ऐसे देखो जो तुम्हें आगे ले जाए, ताकि ऐसे देखो जो तुम्हारे पैरों में जंजीर बन के रह जाए। कुलकर्णी सर, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया भैया अभी। हाँ ठीक है, क्लास खत्म करके आता हूँ। नहीं, आपको अभी चलना पड़ेगा और साथ में पुलिस भी आई है भैया। पुलिस भी आई है? चालू मास्टर, क्यों रे, तेरे को स्टूडेंट ही मिली क्या पटाने के लिए? हाँ चल साले पुलिस स्टेशन, तेरी धुनाई करता हूँ। उस दिन के झगड़े के बाद मुझे लगा ही ये मोहिनी की बच्ची जरूर कुछ उल्टा सीधा करेगी। कुलकर्णी सर को पटा नहीं पाई तो खुदकुशी का नाटक रचा और बदला ले लिया। बेचारे कुलकर्णी सर। जैसे गुरु वैसे ही बिगड़े हुए चेले, सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। छी 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 छी, ऐसी लड़की का तो मर जाना ही अच्छा है। माँ बाप की कितनी बदनामी हुई होगी सोचो। राम 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 राम। तू उस लड़की से बात करता था? हाँ?
अरे नहीं माँ, वो तो बीच सेशन में आई थी। हाँ। अश्विन, लेकिन उस दिन तू रास्ते पे जिस लड़की के साथ खड़ा था वो कौन थी? हाँ? वो वही लड़की थी? हाँ? अरे नहीं माँ, वो दूसरी थी। दूसरा थी? ऐसे मत देखो ना माँ। तो वो नहीं थी। अश्विन मेरी बात ध्यान से सुन। देख देख, ये सारे चक्कर ना बहुत ही गलत है। हाँ। तेरे ना पढ़ाई के दिन है, तू पूरा ध्यान पढ़ाई में रख, और खास करके लड़कियों के बारे में ना तो तू दूर ही रह। अगर तेरे बारे में मैंने कुछ ऐसा वैसा सुना ना तो तू देख। क्या माँ तुम भी? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कुलकर्णी सर गुनहगार है। अरे वो तो हमेशा स्टूडेंट्स का भला चाहते थे। ये सब उस मोहिनी की बदमाशी है जिसकी वजह से सर को इतना इंसल्ट करके स्कूल से निकाल दिया। हट पर क्या मोहिनी अकेली गुनहगार है? ये जो हादसा हुआ इसमें उसके घर वालों की कोई गलती नहीं। अगर उसे शुरू से ठीक माहौल मिलता तो क्या वो ऐसी हरकत करती? अब उसे और कुलकर्णी सर को स्कूल से निकालकर ये लोग ठीक कर रहे क्या? हाँ, मोहिनी को सजा की नहीं बल्कि सलाह की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन बड़ों का क्या, उनको तो लगता है कि छोटों को सजा देकर उनका अपमान कर ही ये जनरेशन सुधार लेंगे। और नहीं तो क्या, जब मोहिनी के कदम भटक रहे थे तब ये बड़े कहाँ थे? तब तो इन्हें अपनी दुनिया से फुर्सत नहीं थी। अब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद सजा दे दी, मानो जैसे अपनी ड्यूटी खत्म। ये सब देखकर तो मुझे हमारे फ्यूचर की चिंता हो रही है। हमारा फ्यूचर? और नहीं तो क्या, देखो तुम सिन्हा और मैं जोशी, मेरी माँ कब भी नहीं मानेगी। फिर अभी तो मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ। कमाना फ्यूचर? तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हाँ, अभी से क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? बल्कि मैं तो दूर की सोच रहा हूँ। अरे परी, अरे परी सुनो तो। क्या है परी? मुझे देर हो रही है। रुको तो। अरे परी रुको। क्या है? मैं तो बस हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। फिर से फ्यूचर? तुम मेरे बारे में सीरियस तो हो ना? सीरियस? मतलब? मतलब तू मुझ पे भरोसा तो करती हो ना? भरोसा? तुम पे भरोसा? कुछ बोलो तो सही, करती हो ना? मैं तुम पे भरोसा नहीं करती। नहीं करती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम चीटर हो। न जाने भी तुम्हारे बातों में कहां से आ गई। अब मैं जा रही हूँ और दोबारा कभी नहीं लौट के आऊंगी। तुम जरूर आओगी, देखना ये चीटर तुम्हारा हमेशा इंतजार करेगा, देखना। करते रहो, मैं नहीं आने। जरूर आओगी। आरक्षण के समर्थन में किए गए इस आंदोलन में अचानक कुछ लोगों ने उत्तेजित तो तुम्हारे लोगों ने अपना हक पाने के लिए दंगा फसाद शुरू कर ही दिया। तुम भी उन जैसे ही हो गए। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गौतम बुद्धा की बात कर रहे थे, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे मुझे। मैं तो शामिल नहीं हुआ ना। तुम्हारे आदमी है, रोक क्यों नहीं लेते? क्यों रोकूं मैं उन्हें? क्यों रोकूं? अगर उन लोगों का गुस्सा इस तरह से निकल रहा है तो जरा देखिए मीडिया कवरेज क्या दे रही है। जब चुपचाप खामोशी से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कौन सुन रहा था? अब हर चैनल हर अखबार उन पर एक चोरी बना रहा है। शायद इस देश के लोगों को नींद से जगाने के लिए थोड़ा शोर मचाना जरूरी है। बस यही सुनना बाकी रह गया था तुमसे। ऐसे तुम में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। पर इस फर्क को देखने के लिए एक इंसान का दिल चाहिए। और ये जो 20% की अपर क्लास है, इनके पास वो दिल नहीं है। इनका दिल एक बीमारी से ग्रस्त है। जातिवाद, इनकी नस नस में जातिवाद जहर भटके घूम रही है। किसी के घाव दिखाई नहीं देते इन्हें, किसी का दर्द महसूस नहीं होता। ऐसी बात नहीं है विजय। शायद ऐसा ही है, पर हमारे आंखों से पर्दा उठेगा नहीं। हर कॉलेज हर स्कूल में एटलीस्ट एक पोस्टर लगना चाहिए कैटी। और याद रखना कि एक सेकंड अश्विन। अरे हाय हाय हाय, कैसे हो? एकदम बढ़िया। अच्छा एक काम करोगे? हाँ। तुलसीवाड़ी में कैटी के अंकल रहते हैं, उन्हें जानते हो? हाँ। उन्हें ये पोस्टर्स पहुंचा दोगे? ये ठीक है। दरअसल आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती, पर अब सच के साथ है,
ऐसा मेरा दिल कहता है। एक दिल की बात मैं भी कहूं? हाँ? पर ज्यादा शौक मत होना। क्या बात है? रानी को मेरी तरफ से एक मैसेज दे। रानी मेरी बहन? उसे कहना कि विजय कह रहा था कि जिस रास्ते पर उसके माँ बाप चाहते हैं वो उसी रास्ते पर चले। जिस रास्ते पर वो चलना चाहती है उस पर सिर्फ दुख है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरी दीदी का किसी से है क्या? तुम समझे नहीं अभी तक? नहीं, वो तो मुझे हमेशा डांटती रहती है कि मैं इन सारे मामलों में ना पड़ूं। पर मेरी दीदी का किससे है? समझ जाओ। थैंक्स अश्विन। आओ महामाया। क्या है? तो आज की क्या रिपोर्ट है तेरी उस जासूसी नेटवर्क की? आज मैंने क्या क्या किया, मैं कहाँ कहाँ गया, बताओ ना। ज्यादा उछल मत। दीदी हूँ तेरी, तेरी भलाई का ही सोचती हूँ। ओ तो तुम भी सोशल वर्कर हो उस विजय की तरह? अब ये विजय बीच में कहां से आया? नहीं, मुझे लगा कि तुम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। तुम दोनों का नेटवर्क भी काफी फैला है, दोनों ही हक की लड़ाई लड़ते हो। बकवास बंद कर। क्यों? है ना, मैं माँ से कह दूंगा। माँ से क्यों? क्या कहेगा माँ से? यही कि तुम्हें भी वो उसके ग्रुप में शामिल कर ले। अरे तुम तो डर गई। तू अपने काम से काम रख। मैं माँ से कह दूंगा। अरे तुम दोनों भाई बहन हो कि राहु केतु की जोड़ी? माँ ये राहु केतु की नहीं माँ, जय की और विजय की जोड़ी। और विजय की जोड़ी? हाँ, मैं जय, दीदी विजय। माँ माँ आपकी विजय हो। अश्विन की भी विजय हो, तेरी भी विजय हो, तेरा भी विजय हो, विजय हो, विजय हो। अरे रानी सुन तो, एक खुशखबरी देनी थी तुझे। राज मामा की शादी तय हो चुकी है। क्या? उसी कानपुर वाली लड़की के साथ। कानपुर वाली के साथ? हाँ। अरे लेकिन राज मामा को तो वो पसंद नहीं थी, सिर्फ 12वीं पास है। अरे वो थी ना दूसरी जॉब करने वाली। चुप चुप। ये लड़की माँ ने पसंद की है, हमारे जात की है और गोत्र भी मिलता है। लेकिन माँ मैं तो सिर्फ। तू चुप कर, पता नहीं कहाँ से सब ये सीख के आता है। नौकरी वाली को कंट्रोल में रखना कितना मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं होता कि राज मामा यूं हार मान जाएंगे। 2015 साल में हिटलर यहाँ आएगा, सावधान। इसका क्या मतलब है? विजय भाई भी ना। विजय मेरे कॉलेज में पढ़ता है, मैं उसके साथ। वो देखो पुलिस। पुलिस? पुलिस यहाँ पे? हमारे कॉलोनी में पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आप? विजय और केटी यहाँ पे रहते हैं। बात क्या है? मैंने कहा विजय और केटी यहाँ पे रहते हैं क्या? जी हाँ यहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये पोस्टर छपवा है, गैर कानूनी है। ये पोस्टर्स है ना लोगों को आंदोलन करने के लिए उकसा सकते हैं। लेकिन वो तो विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ता है, ये बात गैर कानूनी कैसे हो सकती है? जितना पूछा गया उतना ही जवाब दो, समझे? मैंने कहा ना वो यहीं पे रहते हैं। जी हाँ यहीं रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर पर नहीं आए। ठीक है, अगर उनकी कोई खबर मिलती है तो हम इन्फॉर्म कर देना। थैंक्स। चलो साले एक ही थैली के चट्टे बन गए। शर्मा जी आप झूठ क्यों बोले कि विजय यहाँ पर नहीं है? इतने समय से मैं विजय के साथ बहस करता चला रहा था, शायद उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब कुछ कुछ उसकी बातें समझ रहा हूं। हमारे समाज की व्यवस्था में, परंपरा में अभी भी बहुत सी कमियां हैं, शायद इसीलिए हमारा देश अमेरिका जैसे देशों की तरह तरक्की नहीं कर पाया। सही फरमाया आपने, लेकिन मुझे विजय जैसे नौजवानों पर पूरा भरोसा है। पूरी उम्मीद है कि वो एक दिन इस देश को, इस देश के नक्शे को बदल देंगे, नई दिशा की तरफ ले जाएंगे। शायद इसलिए मैंने झूठ कहा। पहले राज मामा, फिर कुलकर्णी सर, और अब विजय भाई भी।
मेरे तीनों हीरो मुसीबत में, कहीं ये मेरे अपने मुसीबत की शुरुआत तो नहीं। अरे ओ अश्विन वा, हाँ तो हाँ, राज मामा क्या कहता था? क्या लड़की के बारे में कुछ दिल में हो तो उसको बता देना चाहिए। हाँ कहता था तो बता देते। अभी 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 पागलों के, हाँ, क्या अभी कैसे, कल बताएंगे? नहीं, कल नहीं, कल करे सो, आज कर, आज करे सो, अब अभी मैं नहीं आऊंगा। तू नहीं आएगा? नहीं आएगा तो ठीक है। आइडिया किसका था? मैं तो हार था। चला अभी चला, सुन तो का बोले, सीधे सीधे आई लव यू बोले, तू बोला, बोले बोले, हाँ तू यही रुका, तू यही रुका। जय काली मैया, जय काली मैया। क्या है? लाइन देते का? व्हाट मतलब? मतलब हमका तुमसे इसक हुई गल है, हम तो के बहुत चाहत है। पागल समझा, हट रास्ते से। अरे रुको ना, डरो नहीं, हटो बोला ना। हम तुम्हार मर्जी के बगैर कुछ नहीं करने वाला, बोले तो आई लव यू। हटो रास्ते से, शक्ल देखी है अपनी? हाँ, अजय देवगन भी हमारी तरह ही दिखता है। देखो हट जाओ रास्ते से, मैं नहीं तो प्रिंसिपल को बता दूंगी। अरे प्रिंसिपल को मत बतावा, वो बापू को नहीं छोड़ूंगी तुझे। बापू को बता देंगे, बापू बहुत मारेंगे। बंदर कहीं का, अजय देवगन की तू जाने देना यार, वो नहीं तो कोई और से, दिल पे मत ले यार। अरे तुम्हें उसे का बस सलाह, मई को कोई लाइन नहीं देते। वैसन का है बोली कि पागल समझा है का? अरे हम का इतने गए गुजरे है का बुराई है हमरे में? एंड शेक्सपियर से क्या है? अश्विन जोशी और लोचन प्रसाद यादव को प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। ठीक है, क्लास के बाद भेज दूंगी। ना, भेजना तो आपको अभी पड़ेगा मैडम। क्या हुआ? इन्होंने सरिता गुप्ता नाम की लड़की को छेड़ा है मैडम। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुमको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी भर याद रखोगी। गो, गेट आउट। लेट मी बिकम द प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर। मार मार के सबको सीधा कर दूंगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बदतमीज, उस दिन बिना सजा दिए छोड़ दिया तो सड़क पर गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी तुम लोगों ने, क्यों? नहीं सर, नहीं। मैंने आज तक इस स्कूल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं होने दी और तुम मेरे स्कूल की नाक कटवा रहे हो। आपको स्कूल की नाक की पड़ी है? यहाँ दिन दहाड़े लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है। प्लीज मिस्टर गुप्ता, कंट्रोल योर सेल्फ, इज्जत नहीं लूटी गई। हाथ तो पकड़ा है? नहीं सर, ये तो झूठ बोल। चुप कर कमीने, आज मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल को उठा कर ले जाएगा। आई सेड कंट्रोल। क्या खा कंट्रोल करूं? प्रिंसिपल साहब, आप पुलिस को बुलवाइए, इन कमीनों को जेल भिजवाइए, तभी मेरी बेटी सेफ रहेगी। देखिए मिस्टर गुप्ता, नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनको सजा दूंगा। मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ, कल तुम लोग अपने घर वालों को बुला कर लाओ। प्यारे, इन लड़कों का कंप्लेंट लेटर तैयार करो। से कुछ बात करनी थी। गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अब गेम पे डिपेंड करता है, हार गया तो करूंगा, जीत गया तो नहीं करूंगा। पापा, पापा, वो हमारी क्लास में लोचन प्रसाद यादव है ना, उसने कल स्कूल जाते समय एक लड़की से बात करने की कोशिश की तो उसे गलतफहमी हो गई और उसके पिताजी ने प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी। अच्छा, ये सब करते हो स्कूल में जाते वक्त? हाँ, लेकिन इस चीज से हमारा क्या ताल्लुक है भाई? पापा, मैं वहीं पे खड़ा था इसलिए उसने मेरा भी नाम लिया। क्या? हाँ, लोचा के पिताजी को बुलाया है और आपको भी। तूने लड़की को छेड़ा? मैंने नहीं छेड़ा, लोचा ने छेड़ा। यानी छेड़ा? ऐसे ही तो उस लड़की ने कुछ भी कहा नहीं होगा ना? अरे शायद दोस्ती करने से मना किया होगा इसलिए उसे छेड़ा। किसने मना किया, किसने छेड़ा, क्या हुआ? इसने छेड़ा। मेरी बात पर विश्वास करो माँ, माँ प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ वहाँ पे खड़ा था। लेकिन तू वहाँ पे खड़ा कर क्या रहा था? अश्विन, प्रिंसिपल ने लेटर दिया है। हाँ। लो। देखो तो, क्या
क्या लिखा है? This is to bring your love to that budget. Misbehaved with a girl named Sarita. ये सब करने के लिए तुझे स्कूल भेजा था? बोल। लेकिन मैं सच्ची में कुछ नहीं किया मैंने। तू फिर से झूठ बोल रहा है। तो क्या प्रिंसिपल ने यू ही लिख दिया? Misbehavior with a girl? जी 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 जी। लेकिन ये घटना हुई कहाँ पर? वो यादव की बिल्डिंग के यहाँ। हम सब स्कूल से पहले वहाँ पे मिलते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। लड़कियों को छेड़ने के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या झूठ कह रही है ये? हाँ, एक झूठ तो पकड़ा गया ना, पता नहीं और कितने झूठ बोले होगे तूने। तुम सब एक मिनट चुप रहो, मुझे बताओ उसने एग्जैक्टली कहा क्या? आई लव यू। इतनी बड़ी बात कह दी और तू कह रहा है गलत फहमी हो गई? मुझे लगा था अब तू बड़ा हो गया, पर तू तो शर्म आती है मुझे। राम 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 राम, अब तो हद हो गई। अरे इसलिए तू 11 बजे स्कूल जाने के लिए निकलता था, पढ़ाई के बहाने? इस जनरेशन में तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अश्विन, कितने बजे बुलाया है? 11 बजे। इतना पीटा लोचा? पीटा? मार ही डालता हूँ। कल शाम को जैसे ही चिट्ठी मिली, बस दे दनादन दे दनादन। जूता, लात, लकड़ी, डंडा, बेल्ट, जवन कुछ भी हाथ में आयल बस दे मारल। हमरा तो कल रात में वंदे मातरम ही हो गया था। हमका समझ नहीं आता हमरी का गलती थी। हमने तो बस पूछा था यार, इज्जत लूटी थी का? आपके लड़कों ने मेरी लड़की के साथ सरेआम बदतमीजी की, उसे डराया धमकाया, वो भी भरी सड़क पर। अरे मैं तो पुलिस को बुलवाने वाला था। देखिए देखिए, हमारे बेटों की तरफ से माफी मांगे थे। माफी? आप मजाक कर रहे हैं? अरे मैं तो इसे जेल भिजवाऊंगा साला गुंडा मवाली। देखिए तनिक जबान संभाल के बात कीजिएगा। ओके, अब हमारे बिटवान जो किया सो किया, पर तुम्हारी लड़की ने भी तो कुछ लटके छिटके दिखाए होंगे ना यादव। ए यादव, तेरी तो मेरी पेट पर उंगली उठाता है, अब तो मैं पुलिस बुलवा कर ही रहूंगा। जा जा बुला ना यहां से तू। अब तो गया पुलिस को। अब गुंडा साला आपने आपको याद भी। आप लोग भी बच्चों जैसा बर्ताव मत कीजिए, वरना रईस से इज्जत भी हम लोग उनकी नजरों में खो देंगे। इस तरह लड़ना ही है तो बच्चे तो वही करेंगे जो उन्होंने किया है। बैठिए, अभी बात पलटिए मत आप। मैं बात पलट नहीं रहा हूँ बल्कि सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बैठिए बैठिए। बेटा, ये दोनों तुम्हें हर रोज सताते हैं? ये मुझे चिढ़ाता है साला। और ये? और ये उसका साथ देता है। उस दिन क्या हुआ? उस दिन इन्होंने मुझे रास्ते में रोका और ये मेरा हाथ पकड़ के बोला कि लाइन देती क्या? वो क्या होता है? मैंने भी यही पूछा तो बोला कि आई लव यू। शाहरुख खान की तरह दिखता हूँ। अरे ये लड़की झूठ बोले थे? हाँ, हम तो अजय देवगन बोले थे। चुप। इतनी सारी बातें कही, तुमने रोका नहीं? बहुत रोका मैंने, लेकिन वो माना ही नहीं। और भी तो बच्चे होंगे, उन्होंने कुछ कहा नहीं? सब डरते हैं इस गुंडे से। कौन सा हाथ पकड़ा था? ये वाला। और बैग? ये वाले हाथ में। और वो किस तरफ खड़ा था? इस तरफ है? फिर तो ये हाथ पकड़ना चाहिए ना। नहीं वो, हाँ, वो उस तरफ खड़ा था। उस तरफ। हाथ पकड़ा या पकड़ने वाला था? वो पकड़ने वाला था। पकड़ा नहीं वो, मैं वो मेरे करीब चिढ़ा था इसलिए गुस्सा है। बदला लेने के लिए कहा कि पकड़ा था। क्यों आप मेरी बेटी को डरा रहे हैं? चुप, एकदम चुप। अब हमारी समझ में आ रहा है कुछ कुछ। हाँ तो आई लव यू कहा यही ना, पर हाथ नहीं पकड़ा। देखा प्रिंसिपल साहब, ये बच्चे नादानी करते और हम बिना समझे बिना सोचे क्रिमिनल की तरह उन्हें सजा देने पर उतारू हो जाते हैं। अब आप इसे क्या कहें? गुप्ता जी, जो बात इतनी छोटी सी थी बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गई, और ये आदमी इस छोटी सी बात को लेकर पुलिस तक जा रहा है। थुत। इस उम्र में बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, पर हम अगर उन्हें सजा देंगे तो वो सुधारने के बजाय हमसे नफरत करने लगेंगे। अंधा इंसाफ करोगे तो अंधी जनरेशन ही पैदा होगी।
पर सजा नहीं देंगे तो सुधरेंगे कैसे? सुधारने के लिए सजा नहीं समझाना जरूरी, वरना जिद में आकर और बड़ी गलतियां करेंगे। ध्यान से देखिए, अब ये बच्चे नहीं रहे, इनके शरीर में बड़ों जैसे बदलाव आने शुरू हो गए हैं, हम चाहे या ना चाहे। अब कुदरत के नियम के अनुसार ये लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, थोड़ी दोस्ती होगी, थोड़ी तकरार होगी। अब इन्हें किताबी शिक्षा के अलावा एडल्ट एजुकेशन यानी सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। दिस इज टू मच नाउ, हमारे स्कूल में ये सब नहीं हो सकता। सेक्स बी सीरियस? तो फिर यही नहीं, बाकी और लड़के लड़कियां भी यही गलतियां करेंगे। हमारी खोपड़िया में बात तो घुस गई है, लेकिन ये लोग तो पत्थर से भी बदतर है। चलिए भाई साहब, बेटा ज्यादा लगे तो नहीं ना, जमाना बदल रहा है, आप नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। चलो बेटा। परी, क्यों प्यार मेरा परेशान सा है, क्यों यार मेरा मेरी जान सा है, क्यों मुझ पे हंसते हैं आंसू मेरे, क्यों दिल का आलम ये मुस्कान का है। प्यार के पार्ट का एक चैप्टर तो मैं भूल ही गया था कि लड़कियां छेड़ने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करती है, चाहे अपने ना छेड़ा हो, पर इल्जाम ही काफी है बेइंतहा नफरत के लिए। अरे अश्विन, मेरा सेकंड नंबर तेरा पांचवा। क्या बात कर रहा है? अरे सच्ची, अबे बॉन्ड तेरा कितना? अबे मेरा 43rd नंबर आ गया। 43rd? लेकिन वो तो आखिरी है ना। अबे तो क्या हुआ, नंबर तो आया ना। क्या रे, इतना सीरियस क्यों है? कुछ नहीं यार, आज स्कूल का लास्ट डे। क्यों? मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स? क्या बात कर रहा है? वो तो होना ही था। अबे वेंकट मत जाना यार, तू चला जाएगा तो हमारा क्या? तुम्हारे लिए वो है ना अपना, सबके लिए अकेला बारी। लोचा। लोचा। सॉरी यार लोचा। थोड़ा सा और पढ़ाई करता तो तेरी भी नहीं पार होती। वही तो। अबे चल छोड़ ना, इतना क्यों नर्वस होता है? फेल हो गया, फेल हो ही गवा, मैं फेल हो ही गवा। नमस्ते सर जी। फेल हो ही गवा, लोचा फेल हो ही गवा, फेल हो ही गवा, लोचा फेल हो ही गवा। फेल हो गया है ना, तो इसमें इतनी उछलने वाली क्या बात है? सोचो हम फेल होके किसकी क्लास में जाऊंगा? किसकी? केवड़ा की। अब तो दिन रात उसको देखूंगा। फेल हो गया लोचा। तो इतना मार काके भी नहीं सुधरा? अरे मार की क्या बात है, प्यार में तो लोग काका कर जात है। हमार सुल्तान दिलीप कुमार साहब तो प्यार में अनार कली के लिए तो के सामने चढ़ गए, तो हम अपनी केवड़ा कली के लिए थोड़ा मार नहीं खा सकते? नौटंकी साला ना। ए, फेल हो गया लो। आए, हम सपना तो ना ही देख रहे केवड़ा? तुम वहां जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना व्यंकट? नहीं व्यंकट, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। पास मत आओ, लोचा देखता है। साला ये व्यंकट और केवड़ा का काल लोचा है रे। व्यंकट तुम मुझे अपना एड्रेस देना, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगी, और तुम भी जरूर लिखना। हाँ मैं भी लिखूंगा, तुम जाओ। अच्छा मैं जाती हूँ, बाय बाय। और चिट्ठी जरूर लिखना। हाँ बाय बाय। कौन अब क्या होगा? साले गद्दार। अरे तू समझ रहा है, वैसे कुछ नहीं है। तो कैसन बात है? हम तो सिर्फ फैमिली फ्रेंड है यार। अरे कैसन फ्रेंड, अब तो खून खराबा हो ही के रहेगा। अरे लोचा जाने देना, ये दोस्त है अपना, और वैसे भी ये जा रहा है हमेशा के लिए। घंटा दोस्त हाँ। सब साले गद्दार। अबे लोचा सुन ना, लोचा लोचा सुन तो सही। अबे लोचा सुन ना। ये लोचा कहाँ जा रहा है? सब साले दगाबाज,
छोड़ ना यार, अब तो सब साले बिछड़ने वाले हरदम के लिए। अब कहा का वो गुस्सा, काहे का झगड़ा, अब तो बस यादें ही यादें हैं, सब खत्म। तू काहे बिछड़ेगा बे, तू तो फेल होगा ना, तू तो हमारी क्लास में ही रहेगा। अरे छोड़ ना यार, अम्मी बोली अब तुझे पढ़ाई लिखाई आती है, अब हिसाब भी सीखने लगा है, अब दुकान संभाल। तुम लोगों के बिना ये स्कूल स्कूल नहीं रहेगा, सिर्फ एक मजबूरी। तुम लोगों की वजह से मैं अपने सारे दुख भूल जाता था यार। मम्मी डैडी का झगड़ा, वो साली वापिस रेशमी, सब कुछ। लेकिन अब तुम दोस्तों की पढ़ाई, ये स्कूल तो क्या, ये जिंदगी जीना भी मुश्किल लगता है यार। साला गुस्सा किया तो दोस्ती खत्म हो गई का? चल आज से केवड़ा हमारी भाभी, केवड़ा भाभी, बस अब तो हंस दे। केवड़ा भाभी और लोचा देवर, क्या बात है, जोड़ी नंबर वन है यार। यारों से है दोस्ती, यारी का एहसास है, दोस्ती से रोशनी, दोस्ती जलता दिया। हमने जीना सीख लिया, हमने जीना सीख लिया। खुशखबर खुशखबर, अपने कुलकर्णी सर वापस आ गए हैं। और वो बेगुनाह है, तालियां। बहुत याद आ रही चीजें, आप हमको फिर से सिखाएंगे ना? नहीं दोस्तों, मैं फिर कभी पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद मेरी अपनी पढ़ाई अभी अधूरी है। मैंने जिंदगी भर हमेशा कोशिश की अपनी कमजोरियों पर काबू पाऊं, अपनी कमजोरियों से लड़ सकूं, फिर भी इस हादसे से बच न सका। अब मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं। मैं उस शिक्षा की तलाश में हूं जो न सिर्फ खोखली डिग्रियां दे बल्कि अच्छे इंसान बनाए, अच्छा समाज बनाए। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, जो शिक्षा आप ले रहे हो उसके पीछे जो सही मकसद है उसे समझ लो, बस इतना ही कहना है मुझे। क्या तुमने परी को कहीं देखा? परी के पापा की ट्रांसफर हो चुकी है। क्या? वो तो सुबह ही जल्दी रिजल्ट लेके चली गई। क्या बात कर रही हो? अब तक तो वो लोग निकल चुके होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। क्या बात है अश्विन? थैंक यू गीता। अश्विन, प्यार तू मेरा और नहीं कोई।
परी वो लोग तो चले गए यहाँ से, समझा कि नहीं? चल निकल यहाँ से, यहाँ तमाशा मत कर। अंकल प्लीज। क्या हुआ, तू ठीक तो है मित्रा? अरे मित्रा पहचानता है तू इसे? हाँ, ये तो मेरा दोस्त है। तो समझा इसे ठीक से, साला पागल कहीं का। मुझे बता प्लीज, बता परी कहाँ पे? बता ना प्लीज। वो लोग पूना जाने वाले थे, शायद बस डिपो पे होंगे। तो मिल गई परी, तुम जा रही हो मुझे भी ना बताए। देखो उस मामले में मेरा कोई दोष नहीं है परी, प्रिंसिपल सर ने भी कहा है कि मैं बेकसूर हूं। अब तो मुझसे बात करो परी, परी प्लीज प्लीज मुझसे बात करो परी प्लीज। अब तो गुस्सा छोड़ दो परी, कुछ तो बोलो। क्लास का अश्विन लग रहा है। नहीं मम्मी, वो अश्विन नहीं है, पर वो तो अश्विन के जैसा ही दिख रहा है। अभी बताया ना, वो अश्विन नहीं है। आप देखिए ना पापा का कह रहे हैं। क्या हुआ? वो होगा कोई पागल। ठीक है परी, ठीक है, मत करो मुझसे बात, लेकिन सिर्फ एक बार, एक बार नजर उठा के देख लो ना परी, प्लीज एक बार। मैं समझ जाऊंगा तुमने मुझे माफ कर दिया परी, प्लीज। परी
बार से नींद से जागा हूं। अब मुझे सपनों की कोई ख्वाहिश नहीं रही। मैं जिंदगी की हकीकत को जानना चाहता हूं, जो हमें सपने दिखाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों राजमामा का ज्ञान, उनका आत्मसम्मान परंपराओं के सामने झुक गया। क्यों वो अपनी ही पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों कुलकर्णी सर जैसे अच्छे लोग अपमानित होते हैं। क्यों उन्हें अपनी ही शिक्षा अधूरी लगती है। क्यों वो कहते हैं कि ये खोखली डिग्रियां नहीं, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा समाज बनाने की कमी है हमारी शिक्षा में। क्यों विजय को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है। क्यों वो अपने ही लोगों के बीच एक अजनबी सा है। क्या है ये जातिवाद का वायरस जो हमें पिछले 5000 सालों से पीड़ित कर रहा है। क्यों विजय कहता है कि हिटलर इस देश में वापस आएगा। कौन है वो और कौन है वो जूस जिन्हें वो मारना चाहता है। जब इन सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाएंगे तब परी सपना नहीं एक हकीकत होगी।